आज हम एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है मारन। और अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में, तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पे हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी है, साथ ही में इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने वाला हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मारन मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी तमिल भाषा में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी। इस मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी, क्योंकि जो IMDb है वहाँ पर 10 out of 4.4 की रेटिंग मिली थी, और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी 17% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ था। मूवी की कहानी इतनी खास नहीं है, एक बार इस मूवी को देखा जा सकता है। बाकी इस मूवी का जो डायरेक्टर था उसने काफ़ी सारी मूवीज पहले बनाई हुई है, पर यह मूवी इतनी खास मुझे नहीं लगी। खैर, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना खुद का ओपिनियन दे सकते हैं। हाँ, इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है जीवी प्रकाश कुमार का, जो काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करें इस मूवी की मेन कास्ट के बारे में, तो एक्टर धनुष, स्मृति वेंकट, मालविका मोहनन, आमिर सुल्तान, महेंद्रन, सम्मोदकरणी, कृष्णा कुमार, राम की, जया प्रकाश, जीवा रवि, ऐसे यहाँ पर और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के अंदर जो हीरो है उन्हीं का नाम मारन रहता है। चलिए बात करते हैं इस मूवी की हिंदी वर्जन के बारे में, कि यह मूवी कहाँ पे हिंदी में उपलब्ध है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, यह मूवी अभी हिंदी में ऑफिशियल रिलीज़ नहीं हुई है, पर जो इसका अनऑफिशियल डब वर्जन है वो आपको काफ़ी जगह पर मिल जाएगा। जो अनऑफिशियल सोर्स है वहाँ से आप देख सकते हैं अगर हिंदी में देखना है। बाकी अगर आप इसे ऑफिशियल हिंदी में देखना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस मूवी के डबिंग राइट्स को गोल्डमैन ने बाय किया हुआ है, और वो लोग इस मूवी को बहुत जल्दी ही टीवी पर रिलीज़ करवा देंगे। फिर ये यूट्यूब पर भी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी। अगर हम लोग इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में थोड़ी बात करें, तो शुरुआत में हमें देखने को मिलता है सत्यमूर्ति, यानी कि जो राम की है, वो एक आदर्शवादी और ईमानदार खोजी पत्रकार होते हैं और एक रसूखदार व्यक्ति है। स्कूल में संबंधित घोटाले को सामने लाने की वजह से उनकी हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले वे अपने बेटे मारन को ईमानदार होने के साथ ही सामर्थ्यवान बनने की शिक्षा दी जाते हैं, जिससे कि वे पत्रीयता के वसूलों के साथ अपने प्रियजनों की रक्षा भी कर सके। जिस दिन पिता की हत्या हुई होती है उस दिन मारन को उसकी माँ की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है, मतलब कि अब जो है वो मारन अकेला है और वह उसकी नवजात बहन और उसके दूसरे परिवार के साथ रहता है। मारन अकेले अपनी बहन श्वेता को पालता है, पोसता है, वो खुद भी पढ़ता है और अपनी बहन को भी पढ़ाता है। बचपन में एक बार गिरने की वजह से श्वेता के हाथ में चोट लग गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए हाथ में मेटल की प्लेट डाल दी थी। बड़े होकर मारन यानी कि जो धनुष है वो अपने पिता की तरह ही द न्यूज़ नाम से मीडिया हाउस में पत्रकारी नौकरी करने लगता है। समय के साथ एक उभरता हुआ वो खोजी पत्रकार के रूप में उसे प्रसिद्धि मिल जाती है। प्रसिद्धि के कारण जो मारन है उनकी जिंदगी तारा यानी कि मालविका मोहन के रूप में प्रेम भी आ जाता है। वे दोनों ऑफिस में साथ में काम करते थे। पुलिस ऑफिसर अर्जुन यानी कि कृष्ण कुमार बालासुब्रमण्यम मारन के स्कूल के दिनों से ही पुराना दोस्त होता है। अर्जुन उसे पूर्व मंत्री पजहानी यानी कि समुदकरण के बारे में बताता है। पजहानी यानी कि वी पजवानी जो होता है वो EVM मशीन की अदला बदली कर उपचानू जीतने के लिए योजना बनाता है। अर्जुन मारन को पजवानी का भांडाफोड़ करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करने का प्लानिंग करता है। स्टिंग ऑपरेशन से EVM मशीन की अदला बदली की खबर पुख्ता होती है। अगले दिन यह खबर मीडिया में छा जाती है। पजवानी अपना खेल बिगड़ते देख के मारन के मौजूद सबूत हासिल करने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे मोड़ देखने को मिलते हैं। एक दिन अचानक मारन के पास कॉल आता है कि श्वेता का अपहरण हो गया है, और जिन लोगों ने मारन की बहन को किडनैप किया था वो लोग मारन को एक ऐसी जगह पर बुलाते हैं जो कि एक खाली बिल्डिंग होती है। फिर यहाँ पर फिर बताता है कि वे दोनों ही साथ में जब श्वेता का अपहरण हुआ था और उसी दिन ही वे पीछे से धक्का मार के गिरा दिया गया था, इसलिए वह अपहरणकर्ताओं को देख नहीं पाया। लेकिन उसे याद था कि अपहरणकर्ता नीला रंग की शर्ट में आए थे और कान में हीरिंग और एक पहन रखा था।
महाराणा ये जानकारी पुलिस को देता है और खोजबीन के कुछ तार पूर्व मंत्री पजवानी से भी जुड़े रहते हैं। पजहानी से मिलने के बाद मारण को यकीन हो गया था कि श्वेता को उसने अगवा नहीं करवाया है। अगर श्वेता का कत्ल पजवानी ने करवाया होता तो उसे मालूम पड़ जाता आखिरकार किसने उसे मारा है या फिर उसकी किडनैप हुई है। वो इस मूवी के अंदर रहस्य छुपा होता है। नीले रंग की जो क्रिएटर की खोज मारण कर रहा होता है वो पार्थिबन यानी कि अमिर तक ले जाती है। पार्थिबन और मारण के बीच में जमकर लड़ाई हुई और लहूलुहान पार्थिबन कहता है कि तुम मुझे मार भी डालोगे तब भी मैं बताऊंगा नहीं कि तुम्हारी बहन जिंदा है या नहीं, और जिंदा तो हो नहीं जाएंगी। इस जगह पर मारण पहली बार यह रहस्य उद्घाटन करता है और इसे मालूम है कि श्वेता मरी नहीं है। और यह बात इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लाश के हाथ के भीतर किसी मेटल प्लेट का जिक्र नहीं था। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, जो मारण की बहन थी उसके हाथ में मेटल प्लेट लगी थी, इसलिए मारण को यकीन हो गया था कि वह उसकी बहन नहीं है। अगर श्वेता जिंदा है तो कहाँ है? पार्थिबन श्वेता की मौत का नाटक क्यों कर रहा था? इन प्रश्नों के जवाब के लिए आपको कहानी फ्लैशबैक में जाती हुई नजर आएंगी। सुजा पार्थिबन की इकलौती बेटी होती है और उसकी और श्वेता की उम्र लगभग समान होती है। सुजा का मन मेडिकल के लिए पढ़ाई करने वाला था। इतनी महंगी पढ़ाई कराने के लिए पार्थिबन के पास रुपये नहीं थे। पजहानी के लोग पार्थिबन को EVM मशीन गायब करने के बदले बहुत सारा पैसा देने वाले थे, लेकिन मारण की स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से ये खबर सुजा तक पहुँच गई और वह अपने पिता को बहुत अच्छा आदमी समझती थी। पिता के किए गलत कामों में सुधारने के लिए EVM मशीन पुलिस के हवाले कर देती है। पार्थिबन समझ जाता है कि अब वो शहर में रहना सेफ नहीं है। वह सुजा के सामने सामान बांधने के लिए जाता है और ज़रूरी काम से बाहर चला जाता है। फिर इस मूवी के अंदर आपको और भी ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलता है। फिर वापस आने के बाद पार्थिबन को सुजा आग की लपटों में घिरी हुई मिली। फिल्म में दिखाया नहीं गया है कि लेकिन स्पष्ट ही जाए तो जो पजवान के लोगों है उन्होंने सुजा को जिंदा चला दिया था। पार्थिबन इस त्रासदी के लिए मारने को जिम्मेदार समझता है क्योंकि स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से उसकी सारी चीज़ें बिगड़ी थी, और इसी का बदला लेने के लिए वो जो हीरो था उसकी बहन को किडनैप करता है। तो यही इस मूवी की कहानी है, पार्थिबन मारने। दरअसल वो जो लड़का है पार्थिबन, वो मारण को यह एहसास दिलाना चाहता था कि ज़िंदगी में बहन की कितनी वैल्यू होती है और अपना कोई दूर होता है तो कितना दुख होता है, इसलिए उसने सब कुछ किया था। फिर वो वापस लास्ट में जो है वो मारण की बहन को लौटा देता है और बता देता है कि तेरी बहन यहाँ पर है, चल ले। वहीं पर मूवी ख़त्म होती है। आज हम एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मारण। और अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी है, साथ ही में इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने वाला हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मारण मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी तमिल भाषा में डिजनी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ हुई थी। इस मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी क्योंकि जो IMDB है वहां पर 10 out of 4.4 की रेटिंग मिली थी, और जो गूगल यूजर है वहां पर भी 17% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ था। मूवी की कहानी इतनी खास नहीं है, एक बार इस मूवी को देखा जा सकता है। बाकी इस मूवी का जो डायरेक्टर था उसने काफ़ी सारी मूवीज़ पहले बनाई हुई है, पर यह मूवी इतनी खास मुझे नहीं लगी। खैर, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना खुद का ओपिनियन दे सकते हैं। हाँ, इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है GV प्रकाश कुमार का, जो काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करें इस मूवी की मेन कास्ट के बारे में तो एक्टर धनुष, स्मृति वेंकट, मालविका मोहनन, अमीर सुल्तान, महेंद्रन, सम्मोदकर्णी, कृष्णा कुमार, राम की, जया प्रकाश, जीवा रवि, ऐसे यहाँ पर और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के अंदर जो हीरो है उन्हीं का नाम मारण रहता है। चलिए बात करते हैं इस मूवी की हिंदी वर्जन के बारे में कि यह मूवी कहाँ पे हिंदी में उपलब्ध है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ यह मूवी अभी हिंदी में ऑफिशियल रिलीज़ नहीं हुई है, पर जो इसका अनऑफिशियल डब वर्जन है वो आपको काफ़ी जगह पर मिल जाएगा। जो अनऑफिशियल सोर्स है वहाँ से आप देख सकते हैं अगर हिंदी में देखना है। बाकी अगर आप इसे ऑफिशियल हिंदी में देखना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इस मूवी के डबिंग राइट्स को गोल्डमैन ने बाय किया हुआ है और वो लोग इस मूवी को बहुत जल्दी ही TV पर रिलीज़ करवा देंगे।
फिर ये यूट्यूब पर भी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी। अगर हम लोग इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में थोड़ी बात करें, तो शुरुआत में हमें देखने को मिलता है सत्यमूर्ति यानी कि जो राम की है वो एक आदर्शवादी और ईमानदार खोजी पत्रकार होते हैं और एक रसूखदार व्यक्ति है। स्कूल में संबंधित घोटाले को सामने लाने की वजह से उनकी हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले वे अपने बेटे मारन को ईमानदार होने के साथ ही सामर्थ्यवान बनने की शिक्षा दी जाते हैं, जिससे कि वे पत्रकारिता के वसूलों के साथ अपने प्रियजनों की रक्षा भी कर सके। जिस दिन पिता की हत्या हुई होती है उस दिन मारन को उसकी माँ की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है। मतलब कि अब जो है वो मारन अकेला है और वह उसकी नवजात बहन और उसके दूसरे परिवार के साथ रहता है। मारन अकेले अपनी बहन श्वेता को पालता है, पोसता है, वो खुद भी पढ़ता है और अपनी बहन को भी पढ़ाता है। बचपन में एक बार गिरने की वजह से श्वेता के हाथ में चोट लग गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए हाथ में मेटल की प्लेट डाल दी थी। बड़े होकर मारन यानी कि जो धनुष है वो अपने पिता की तरह ही द न्यूज़ नाम से मीडिया हाउस में पत्रकारी नौकरी करने लगता है। समय के साथ एक उभरता हुआ वो खोजी पत्रकार के रूप में उसे प्रसिद्धि मिल जाती है। प्रसिद्धि के कारण जो मारन है उनकी जिंदगी तारा यानी कि मालविका मोहन के रूप में प्रेम भी आ जाता है। वे दोनों ऑफिस में साथ में काम करते थे। पुलिस ऑफिसर अर्जुन यानी कि कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम मारन के स्कूल के दिनों से ही पुराना दोस्त होता है। अर्जुन उसे पूर्व मंत्री पजहानी यानी कि समुद्रकरण के बारे में बताता है। पजहानी यानी कि वी ई पजवानी जो होता है वो ईवीएम मशीन की अदला बदली कर कर उपजाऊ जीतने के लिए योजना बनाता है। अर्जुन मारन को पजवानी का भांडाफोड़ करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करने का प्लानिंग करता है। स्टिंग ऑपरेशन से ईवीएम मशीन की अदला बदली की खबर पुख्ता होती है। अगले दिन यह खबर मीडिया में छा जाती है। पजवानी अपना खेल बिगड़ते देख के मारन के मौजूद सबूत हासिल करने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे मोड़ देखने को मिलते हैं। एक दिन अचानक मारन के पास कॉल आता है कि श्वेता का अपहरण हो गया है और जिन लोगों ने मारन की बहन को किडनैप किया था वो लोग मारन को एक ऐसी जगह पर बुलाते हैं जो कि एक खाली बिल्डिंग होती है। फिर यहाँ पर फिर बताता है कि वे दोनों ही साथ में जब श्वेता का अपहरण हुआ था और उसी दिन ही वे पीछे से धक्का मार के गिरा दिया गया था, इसलिए वह अपहरणकर्ताओं को देख नहीं पाया। लेकिन उसे याद था कि अपहरणकर्ता नीला रंग की शर्ट में आए थे और कान में हीरिंग और एक पहन रखा था। मारन इस जानकारी पुलिस को देता है और खोजबीन के कुछ तार पूर्व मंत्री पजवानी से भी जुड़े रहते हैं। पजहानी से मिलने के बाद मारन को यकीन हो गया था कि श्वेता को उसने अगवा नहीं करवाया है। अगर श्वेता का कत्ल पजवानी ने करवाया होता तो उसे मालूम पड़ जाता आखिरकार किसने उसे मारा है या फिर उसकी किडनैप हुई है। वो इस मूवी के अंदर रहस्य छुपा होता है। नीले रंग की जो क्रिएटर की खोज मारन कर रहा होता है वो पार्थिबन यानी कि अमित तक ले जाती है। पार्थिबन और मारन के बीच में जमकर लड़ाई हुई और लहूलुहान पार्थिबन कहता है कि तुम मुझे मार भी डालोगे तब भी मैं बताऊंगा नहीं कि तुम्हारी बहन जिंदा है या नहीं, और जिंदा तो हो नहीं जाएंगी। इस जगह पर मारन पहली बार यह रहस्य उद्घाटन करता है और इसे मालूम है कि श्वेता मरी नहीं है। और यह बात इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लाश के हाथ के भीतर किसी मेटल प्लेट का जिक्र नहीं था। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया जो मारन की बहन थी उसके हाथ में मेटल प्लेट लगी थी, इसलिए मारन को यकीन हो गया था कि वह उसकी बहन नहीं है। अगर श्वेता जिंदा है तो कहाँ है? पार्थिबन श्वेता की मौत का नाटक क्यों कर रहा था? इन प्रश्नों के जवाब के लिए आपको कहानी फ्लैशबैक में जाती हुई नजर आएंगी। सुजा पार्थिबन की इकलौती बेटी होती है और उसकी और श्वेता की उम्र लगभग समान होती है। सुजा का मन मेडिकल के लिए पढ़ाई करने वाला था। इतनी महंगी पढ़ाई कराने के लिए पार्थिबन के पास रुपये नहीं थे। पजहानी के लोग पार्थिबन को ईवीएम मशीन गायब करने के बदले बहुत सारा पैसा देने वाले थे, लेकिन मारन की स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से ये खबर सुजा तक पहुंच गई और वह अपने पिता को बहुत अच्छा आदमी समझती थी। पिता के किए गलत कामों में सुधारने के लिए ईवीएम मशीन पुलिस के हवाले कर देती है। पार्थिबन समझ जाता है कि अब वो शहर में रहना सेफ नहीं है। वह सुजा के सामने सामान बांधने के लिए जाता है और ज़रूरी काम से बाहर चला जाता है। फिर इस मूवी के अंदर आपको और भी ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलता है। फिर वापस आने के बाद पार्थिबन को सुजा
आग के लपड़ों में घिरी हुई मिली। फिल्म में दिखाया नहीं गया है कि लेकिन स्पष्ट की जाए तो जो पंजवान के लोगों है उन्होंने सुधा को जिंदा जला दिया था। पार्थिबन इस त्रासदी के लिए मारने को जिम्मेदार समझता है क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन की वजह से उसकी सारी चीज़ें बगड़ी थी और इसी का बदला लेने के लिए वो जो हीरो था उसकी बहन को किडनैप करता है। तो यही इस मूवी की कहानी है, पार्थिबन मारने। दरअसल वो जो लड़का है पार्थिबन, वो मारन को यह एहसास दिलाना चाहता था कि जिंदगी में बहन की कितनी वैल्यू होती है और अपना कोई दूर होता है तो कितना दुख होता है, इसलिए उसने सब कुछ किया था। फिर वो वापस लास्ट में जो है वो मारन की बहन को लौटा देता है और बता देता है कि तेरी बहन यहाँ पर है, चल ले आ। वहीं पर मूवी ख़त्म होती है। हाजम एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मारन। और अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी है, साथ ही में इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने वाला हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मारन मूवी को 2022 में रिलीज किया गया था। यह मूवी तमिल भाषा में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी। इस मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 4.4 की रेटिंग मिली थी और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी 17% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ था। मूवी की कहानी इतनी खास नहीं है, एक बार इस मूवी को देखा जा सकता है। बाकी इस मूवी का जो डायरेक्टर था उसने काफ़ी सारी मूवीज पहले बनाई हुई है पर यह मूवी इतनी खास मुझे नहीं लगी। खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना खुद का ओपिनियन दे सकते हैं। हाँ इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है जीवी प्रकाश कुमार का जो काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करें इस मूवी की मेन कास्ट के बारे में तो एक्टर धनुष, स्मृति वेंकट, मालविका मोहनन, आमिर सुल्तान, महेंद्रन, सम्मोद करणी, कृष्णा कुमार, राम की, जया प्रकाश, जीवा रवि, ऐसे यहाँ पर और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के अंदर जो हीरो है उन्हीं का नाम मारन रहता है। चलिए बात करते हैं इस मूवी की हिंदी वर्जन के बारे में कि यह मूवी कहाँ पे हिंदी में उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ यह मूवी अभी हिंदी में ऑफिशियल रिलीज़ नहीं हुई है पर जो इसका अनऑफिशियल डब वर्जन है वो आपको काफ़ी जगह पर मिल जाएगा। जो अनऑफिशियल सोर्स है वहाँ से आप देख सकते हैं अगर हिंदी में देखना है। बाकी अगर आप इसे ऑफिशियल हिंदी में देखना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इस मूवी के डबिंग राइट्स को गोल्डमैन ने बाय किया हुआ है और वो लोग इस मूवी को बहुत जल्दी ही टीवी पर रिलीज़ करवा देंगे। फिर ये यूट्यूब पर भी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी। अगर हम लोग इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में थोड़ी बात करें तो शुरुआत में हमें देखने को मिलता है सत्यमूर्ति यानी कि जो राम की है वो एक आदर्शवादी और ईमानदार खोजी पत्रकार होते हैं और एक रसूखदार व्यक्ति है। स्कूल में संबंधित घोटाले को सामने लाने की वजह से उनकी हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले वे अपने बेटे मारन को ईमानदार होने के साथ ही सामर्थ्यवान बनने की शिक्षा दी जाते हैं जिससे कि वे पत्रकारिता के वसूलों के साथ अपने प्रियजनों की रक्षा भी कर सके। जिस दिन पिता की हत्या हुई होती है उस दिन मारन को उसकी माँ की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है, मतलब कि अब जो है वो मारन अकेला है और वह उसकी नवजात बहन और उसके दूसरे परिवार के साथ रहता है। मारन अकेले अपनी बहन श्वेता को पालता है, पोसता है, वो खुद भी पढ़ता है और अपनी बहन को भी पढ़ाता है। बचपन में एक बार गिरने की वजह से श्वेता के हाथ में चोट लग गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए हाथ में मेटल की प्लेट डाल दी थी। बड़े होकर मारन यानी कि जो धनुष है वो अपने पिता की तरह ही द न्यूज़ नाम से मीडिया हाउस में पत्रकारी नौकरी करने लगता है। समय के साथ एक उभरता हुआ वो खोजी पत्रकार के रूप में उसे प्रसिद्धि मिल जाती है। प्रसिद्धि के कारण जो मारन है उनकी जिंदगी तारा यानी कि मालविका मोहन के रूप में प्रेम भी आ जाता है। वे दोनों ऑफिस में साथ में काम करते थे। पुलिस ऑफिसर अर्जुन यानी कि कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम मारन के स्कूल के दिनों से ही पुराना दोस्त होता है। अर्जुन उसे पूर्व मंत्री पजहानी यानी कि समुद्रकरण के बारे में बताता है। पजहानी यानी कि VE पजवानी जो होता है वो EVM मशीन की अदला बदली कर उपजाऊ जीतने के लिए योजना बनाता है। अर्जुन मारन को पजवानी का भांडाफोड़ करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करने का प्लानिंग करता है। स्टिंग ऑपरेशन से EVM
मसीन की अदला बदली की खबर पुख्ता होती है। अगले दिन यह खबर मीडिया में छा जाती है। पजवानी अपना खेल बिगड़ते देख के मारन के मौजूद सबूत हासिल करने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे मोड़ देखने को मिलते हैं। एक दिन अचानक मारन के पास कॉल आता है कि श्वेता का अपहरण हो गया है और जिन लोगों ने मारन की बहन को किडनैप किया था वो लोग मारन को एक ऐसी जगह पर बुलाते हैं जो कि एक खाली बिल्डिंग होती है। फिर यहाँ पर फिर बताता है कि वे दोनों ही साथ में जब श्वेता का अपहरण हुआ था और उसी दिन ही वे पीछे से धक्का मार के गिरा दिया गया था, इसलिए वह अपहरणकर्ताओं को देख नहीं पाया। लेकिन उसे याद था कि अपहरणकर्ता नीला रंग की शर्ट में आए थे और कान में हीरिंग और एक पहन रखा था। मारन इस जानकारी पुलिस को देता है और खोजबीन के कुछ तार पूर्व मंत्री पजवानी से भी जुड़े रहते हैं। पजहानी से मिलने के बाद मारन को यकीन हो गया था कि श्वेता को उसने अगवा नहीं करवाया है। अगर श्वेता का कत्ल पजवानी ने करवाया होता तो उसे मालूम पड़ जाता आखिरकार किसने उसे मारा है या फिर उसकी किडनैप हुई है। वो इस मूवी के अंदर रहस्य छुपा होता है। नीले रंग की जो क्रिएटर की खोज मारन कर रहा होता है वो पार्थिबन यानी कि अमित तक ले जाती है। पार्थिबन और मारन के बीच में जमकर लड़ाई हुई और लहूलुहान पार्थिबन कहता है कि तुम मुझे मार भी डालोगे तब भी मैं बताऊंगा नहीं कि तुम्हारी बहन जिंदा है या नहीं, और जिंदा तो हो नहीं जाएंगी। इस जगह पर मारन पहली बार यह रहस्य उद्घाटन करता है और इसे मालूम है कि श्वेता मरी नहीं है। और यह बात इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लाश के हाथ के भीतर किसी मेटल प्लेट का जिक्र नहीं था। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, जो मारन की बहन थी उसके हाथ में मेटल प्लेट लगी थी, इसलिए मारन को यकीन हो गया था कि वह उसकी बहन नहीं है। अगर श्वेता जिंदा है तो कहाँ है? पार्थिबन श्वेता की मौत का नाटक क्यों कर रहा था? इन प्रश्नों के जवाब के लिए आपको कहानी फ्लैशबैक में जाती हुई नजर आएंगी। सुजा पार्थिबन की इकलौती बेटी होती है और उसकी और श्वेता की उम्र लगभग समान होती है। सुजा का मन मेडिकल के लिए पढ़ाई करने वाला था। इतनी महंगी पढ़ाई कराने के लिए पार्थिबन के पास रुपये नहीं थे। पजहानी के लोग पार्थिबन को EVM मशीन गायब करने के बदले बहुत सारा पैसा देने वाले थे, लेकिन मारन की स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से ये खबर सुजा तक पहुँच गई और वह अपने पिता को बहुत अच्छा आदमी समझती थी। पिता के किए गलत कामों में सुधारने के लिए EVM मशीन पुलिस के हवाले कर देती है। पार्थिबन समझ जाता है कि अब वो शहर में रहना सेफ नहीं है। वह सुजा के सामने सामान बांधने के लिए जाता है और ज़रूरी काम से बाहर चला जाता है। फिर इस मूवी के अंदर आपको और भी ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलता है। फिर वापस आने के बाद पार्थिबन को सुजा आग की लपड़ों में घिरी हुई मिली। फिल्म में दिखाया नहीं गया है कि लेकिन स्पष्ट ही जाए तो जो पजवान के लोगों है उन्होंने सुजा को जिंदा चला दिया था। पार्थिबन इस त्रासदी के लिए मारने को जिम्मेदार समझता है क्योंकि स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से उसकी सारी चीज़ें बिगड़ी थी और इसी का बदला लेने के लिए वो जो हीरो था उसकी बहन को किडनैप करता है। तो यही इस मूवी की कहानी है। पार्थिबन मारने दरअसल वो जो लड़का है पार्थिबन वो मारन को यह एहसास दिलाना चाहता था कि ज़िंदगी में बहन की कितनी वैल्यू होती है और अपना कोई दूर होता है तो कितना दुख होता है, इसलिए उसने सब कुछ किया था। फिर वो वापस लास्ट में जो है वो मारन की बहन को लौटा देता है और बता देता है कि तेरी बहन यहाँ पर है, चल ले। वहीं पर मूवी ख़त्म होती है। आज हम एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मारन। और अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी है, साथ ही में इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने वाला हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मारन मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी तमिल भाषा में डिजनी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ हुई थी। इस मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 4.4 की रेटिंग मिली थी और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 17% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ था। मूवी की कहानी इतनी खास नहीं है, एक बार इस मूवी को देखा जा सकता है। बाकी इस मूवी का जो डायरेक्टर था उसने काफ़ी सारी मूवीज़ पहले बनाई हुई है पर यह मूवी इतनी खास मुझे नहीं लगी। खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना खुद का ओपिनियन दे सकते हैं। हाँ इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है GV प्रकाश कुमार का जो काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करें इस मूवी की मेन कास्ट के बारे में तो एक्टर धनुष, स्मृति वेंकट, मालविका मोहनन,
अमर सुल्तान, महेंद्रन, समुद्रकर्णी, कृष्णा कुमार, राम की, जया प्रकाश, जीवा रवि, ऐसे यहाँ पर और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के अंदर जो हीरो है उन्हीं का नाम मारन रहता है। चलिए बात करते हैं इस मूवी की हिंदी वर्जन के बारे में कि यह मूवी कहाँ पे हिंदी में उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, यह मूवी अभी हिंदी में ऑफिशियल रिलीज़ नहीं हुई है, पर जो इसका अनऑफिशियल डब वर्जन है वो आपको काफ़ी जगह पर मिल जाएगा। जो अनऑफिशियल सोर्स है वहाँ से आप देख सकते हैं अगर हिंदी में देखना है। बाकी अगर आप इसे ऑफिशियल हिंदी में देखना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस मूवी के डबिंग राइट्स को गोल्डमैन ने बाय किया हुआ है और वो लोग इस मूवी को बहुत जल्दी ही टीवी पर रिलीज़ करवा देंगे। फिर ये यूट्यूब पर भी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी। अगर हम लोग इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में थोड़ी बात करें तो शुरुआत में हमें देखने को मिलता है सत्यमूर्ति यानी कि जो राम की है वो एक आदर्शवादी और ईमानदार खोजी पत्रकार होते हैं और एक रसूखदार व्यक्ति है। स्कूल में संबंधित घोटाले को सामने लाने की वजह से उनकी हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले वे अपने बेटे मारन को ईमानदार होने के साथ ही सामर्थ्यवान बनने की शिक्षा दी जाते हैं, जिससे कि वे पत्रीयता के वसूलों के साथ अपने प्रियजनों की रक्षा भी कर सके। जिस दिन पिता की हत्या हुई होती है उस दिन मारन को उसकी माँ की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है, मतलब कि अब जो है वो मारन अकेला है और वह उसकी नवजात बहन और उसके दूसरे परिवार के साथ रहता है। मारन अकेले अपनी बहन श्वेता को पालता है, पोसता है, वो खुद भी पढ़ता है और अपनी बहन को भी पढ़ाता है। बचपन में एक बार गिरने की वजह से श्वेता के हाथ में चोट लग गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए हाथ में मेटल की प्लेट डाल दी थी। बड़े होकर मारन यानी कि जो धनुष है वो अपने पिता की तरह ही द न्यूज़ नाम से मीडिया हाउस में पत्रकारी नौकरी करने लगता है। समय के साथ एक उभरता हुआ वो खोजी पत्रकार के रूप में उसे प्रसिद्धि मिल जाती है। प्रसिद्धि के कारण जो मारन है उनकी जिंदगी तारा यानी कि मालविका मोहन के रूप में प्रेम भी आ जाता है। वे दोनों ऑफिस में साथ में काम करते थे। पुलिस ऑफिसर अर्जुन यानी कि कृष्ण कुमार बालासुब्रमण्यम मारन के स्कूल के दिनों से ही पुराना दोस्त होता है। अर्जुन उसे पूर्व मंत्री पजहानी यानी कि समुद्रकरण के बारे में बताता है। पजहानी यानी कि वी ई पजवानी जो होता है वो ईवीएम मशीन की अदला बदली कर उपचारों जीतने के लिए योजना बनाता है। अर्जुन मारन को पजवानी का भांडाफोड़ करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करने का प्लानिंग करता है। स्टिंग ऑपरेशन से ईवीएम मशीन की अदला बदली की खबर पुख्ता होती है। अगले दिन यह खबर मीडिया में छा जाती है। पजवानी अपना खेल बिगड़ते देख के मारन के मौजूद सबूत हासिल करने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे मोड़ देखने को मिलते हैं। एक दिन अचानक मारन के पास कॉल आता है कि श्वेता का अपहरण हो गया है और जिन लोगों ने मारन की बहन को किडनैप किया था वो लोग मारन को एक ऐसी जगह पर बुलाते हैं जो कि एक खाली बिल्डिंग होती है। फिर यहाँ पर फिर बताता है कि वे दोनों ही साथ में जब श्वेता का अपहरण हुआ था और उसी दिन ही वे पीछे से धक्का मार के गिरा दिया गया था, इसलिए वह अपहरणकर्ताओं को देख नहीं पाया। लेकिन उसे याद था कि अपहरणकर्ता नीला रंग की शर्ट में आए थे और कान में हीरिंग और एक पहन रखा था। मारन इस जानकारी पुलिस को देता है और खोजबीन के कुछ तार पूर्व मंत्री पजवानी से भी जुड़े रहते हैं। पजहानी से मिलने के बाद मारन को यकीन हो गया था कि श्वेता को उसने अगवा नहीं करवाया है। अगर श्वेता का कत्ल पजवानी ने करवाया होता तो उसे मालूम पड़ जाता आखिरकार किसने उसे मारा है या फिर उसकी किडनैप हुई है। वो इस मूवी के अंदर रहस्य छुपा होता है। नीले रंग की जो क्रिएटर की खोज मारन कर रहा होता है वो पार्थिबन यानी कि अमिर तक ले जाती है। पार्थिबन और मारन के बीच में जमकर लड़ाई हुई और लहूलुहान पार्थिबन कहता है कि तुम मुझे मार भी डालोगे तब भी मैं बताऊंगा नहीं कि तुम्हारी बहन जिंदा है या नहीं, और जिंदा तो हो नहीं जाएंगी। इस जगह पर मारन पहली बार यह रहस्य उद्घाटन करता है और इसे मालूम है कि श्वेता मरी नहीं है और यह बात इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लाश के हाथ के भीतर किसी मेटल प्लेट का जिक्र नहीं था। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया जो मारन की बहन थी उसके हाथ में मेटल प्लेट लगी थी, इसलिए मारन को यकीन हो गया था कि वह उसकी बहन नहीं है। अगर श्वेता जिंदा है तो कहाँ है? पार्थिबन श्वेता की मौत का नाटक क्यों कर रहा था? इन प्रश्नों के जवाब के लिए आपको कहानी फ्लैशबैक में जाती हुई नजर आएंगी।
सुजा पार्थिबन की इकलौती बेटी होती है और उसकी और श्वेता की उम्र लगभग समान होती है। सुजा का मन मेडिकल के लिए पढ़ाई करने वाला था। इतनी महंगी पढ़ाई कराने के लिए पार्थिबन के पास रुपये नहीं थे। पझाने के लोग पार्थिबन को EVM मशीन गायब करने के बदले बहुत सारा पैसा देने वाले थे, लेकिन मारन की स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से ये खबर सुजा तक पहुंच गई और वह अपने पिता को बहुत अच्छा आदमी समझती थी। पिता के किए गलत कामों में सुधारने के लिए EVM मशीन पुलिस के हवाले कर देती है। पार्थिबन समझ जाता है कि अब वो शहर में रहना सेफ नहीं है। वह सुजा के सामने सामान बांधने के लिए जाता है और ज़रूरी काम से बाहर चला जाता है। फिर इस मूवी के अंदर आपको और भी ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलता है। फिर वापस आने के बाद पार्थिबन को सुजा आग की लपड़ों में गिरी हुई मिली। फिल्म में दिखाया नहीं गया है कि, लेकिन स्पष्ट ही जाए तो जो पजवान के लोगों है उन्होंने सुजा को जिंदा चला दिया था। पार्थिबन इस त्रासदी के लिए मारने को जिम्मेदार समझता है क्योंकि स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से उसकी सारी चीज़ें बगड़ी थी और इसी का बदला लेने के लिए वो जो हीरो था उसकी बहन को किडनैप करता है। तो यही इस मूवी की कहानी है, पार्थिबन मारने। दरअसल वो जो लड़का है पार्थिबन, वो मारन को यह एहसास दिलाना चाहता था कि ज़िंदगी में बहन की कितनी वैल्यू होती है और अपना कोई दूर होता है तो कितना दुख होता है, इसलिए उसने सब कुछ किया था। फिर वो वापस लास्ट में जो है वो मारन की बहन को लौटा देता है और बता देता है कि तेरी बहन यहाँ पर है, चल ले। वहीं पर मूवी ख़त्म होती है। आज हम एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मारन। और अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी है, साथ ही में इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने वाला हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मारन मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी तमिल भाषा में डिजनी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ हुई थी। इस मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 4.4 की रेटिंग मिली थी और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 17% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ था। मूवी की कहानी इतनी खास नहीं है, एक बार इस मूवी को देखा जा सकता है। बाकी इस मूवी का जो डायरेक्टर था उसने काफ़ी सारी मूवीज़ पहले बनाई हुई है पर यह मूवी इतनी खास मुझे नहीं लगी। खैर, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना खुद का ओपिनियन दे सकते हैं। हाँ, इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है GV प्रकाश कुमार का, जो काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करें इस मूवी की मेन कास्ट के बारे में तो एक्टर धनुष, स्मृति वेंकट, मालविका मोहनन, आमिर सुल्तान, महेंद्रन, सम्मोदकर्णी, कृष्णा कुमार, राम की, जया प्रकाश, जीवा रवि, ऐसे यहाँ पर और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के अंदर जो हीरो है उन्हीं का नाम मारन रहता है। चलिए बात करते हैं इस मूवी की हिंदी वर्जन के बारे में कि यह मूवी कहाँ पे हिंदी में उपलब्ध है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ यह मूवी अभी हिंदी में ऑफिशियल रिलीज़ नहीं हुई है, पर जो इसका अनऑफिशियल डब वर्जन है वो आपको काफ़ी जगह पर मिल जाएगा। जो अनऑफिशियल सोर्स है वहाँ से आप देख सकते हैं अगर हिंदी में देखना है। बाकी अगर आप इसे ऑफिशियल हिंदी में देखना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इस मूवी के डबिंग राइट्स को गोल्डमैन ने बाय किया हुआ है और वो लोग इस मूवी को बहुत जल्दी ही TV पर रिलीज़ करवा देंगे। फिर ये YouTube पर भी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी। अगर हम लोग इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में थोड़ी बात करें तो शुरुआत में हमें देखने को मिलता है सत्यमूर्ति, यानी कि जो राम की है, वो एक आदर्शवादी और ईमानदार खोजी पत्रकार होते हैं और एक रसूखदार व्यक्ति है। स्कूल में संबंधित घोटाले को सामने लाने की वजह से उनकी हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले वे अपने बेटे मारन को ईमानदार होने के साथ ही सामर्थ्यवान बनने की शिक्षा दी जाते हैं, जिससे कि वे पत्रकारिता के वसूलों के साथ अपने प्रियजनों की रक्षा भी कर सके। जिस दिन पिता की हत्या हुई होती है उस दिन मारन को उसकी माँ की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है, मतलब कि अब जो है वो मारन अकेला है और वह उसकी नवजात बहन और उसके दूसरे परिवार के साथ रहता है। मारन अकेले अपनी बहन श्वेता को पालता है, पोसता है, वो खुद भी पढ़ता है और अपनी बहन को भी पढ़ाता है। बचपन में एक बार गिरने की वजह से श्वेता के हाथ में चोट लग गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए हाथ में मेटल की प्लेट डाल दी थी। बड़े होकर मारन यानी कि जो धनुष है वो अपने पिता की तरह ही द न्यूज़ नाम से मीडिया हाउस में पत्रकारी नौकरी करने लगता है।
समय के साथ एक उभरता हुआ वो खोजी पत्रकार के रूप में उसे प्रसिद्धि मिल जाती है। प्रसिद्धि के कारण जो मारन है उनकी जिंदगी तारा यानी कि मालविका मोहन के रूप में प्रेम भी आ जाता है। वे दोनों ऑफिस में साथ में काम करते थे। पुलिस ऑफिसर अर्जुन यानी कि कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम मारन के स्कूल के दिनों से ही पुराना दोस्त होता है। अर्जुन उसे पूर्व मंत्री पजहानी यानी कि समुद्रकरण के बारे में बताता है। पजहानी यानी कि वी ई पजवानी जो होता है वो ईवीएम मशीन की अदला बदली कर उपजाणु जीतने के लिए योजना बनाता है। अर्जुन मारन को पजवानी का भांडाफोड़ करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करने का प्लानिंग करता है। स्टिंग ऑपरेशन से ईवीएम मशीन की अदला बदली की खबर पुख्ता होती है। अगले दिन यह खबर मीडिया में छा जाती है। पजवानी अपना खेल बिगड़ते देख के मारन के मौजूद सबूत हासिल करने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे मोड़ देखने को मिलते हैं। एक दिन अचानक मारन के पास कॉल आता है कि श्वेता का अपहरण हो गया है और जिन लोगों ने मारन की बहन को किडनैप किया था वो लोग मारन को एक ऐसी जगह पर बुलाते हैं जो कि एक खाली बिल्डिंग होती है। फिर यहाँ पर फिर बताता है कि वे दोनों ही साथ में जब श्वेता का अपहरण हुआ था और उसी दिन ही वे पीछे से धक्का मार के गिरा दिया गया था, इसलिए वह अपहरणकर्ताओं को देख नहीं पाया। लेकिन उसे याद था कि अपहरणकर्ता नीला रंग की शर्ट में आए थे और कान में हीरिंग और एक पहन रखा था। मारन इस जानकारी पुलिस को देता है और खोजबीन के कुछ तार पूर्व मंत्री पजवानी से भी जुड़े रहते हैं। पजहानी से मिलने के बाद मारन को यकीन हो गया था कि श्वेता को उसने अगवा नहीं करवाया है। अगर श्वेता का कत्ल पजवानी ने करवाया होता तो उसे मालूम पड़ जाता आखिरकार किसने उसे मारा है या फिर उसकी किडनैप हुई है। वो इस मूवी के अंदर रहस्य छुपा होता है। नीले रंग की जो क्रिएटर की खोज मारन कर रहा होता है वो पार्थिबन यानी कि अमित तक ले जाती है। पार्थिबन और मारन के बीच में जमकर लड़ाई हुई और लहूलुहान पार्थिबन कहता है कि तुम मुझे मार भी डालोगे तब भी मैं बताऊंगा नहीं कि तुम्हारी बहन जिंदा है या नहीं, और जिंदा तो हो नहीं जाएंगी। इस जगह पर मारन पहली बार यह रहस्य उद्घाटन करता है और इसे मालूम है कि श्वेता मरी नहीं है। और यह बात इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लाश के हाथ के भीतर किसी मेटल प्लेट का जिक्र नहीं था। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया जो मारन की बहन थी उसके हाथ में मेटल प्लेट लगी थी, इसलिए मारन को यकीन हो गया था कि वह उसकी बहन नहीं है। अगर श्वेता जिंदा है तो कहाँ है? पार्थिबन श्वेता की मौत का नाटक क्यों कर रहा था? इन प्रश्नों के जवाब के लिए आपको कहानी फ्लैशबैक में जाती हुई नजर आएंगी। सूजा पार्थिबन की इकलौती बेटी होती है और उसकी और श्वेता की उम्र लगभग समान होती है। सूजा का मन मेडिकल के लिए पढ़ाई करने वाला था। इतनी महंगी पढ़ाई कराने के लिए पार्थिबन के पास रुपये नहीं थे। पजहानी के लोग पार्थिबन को ईवीएम मशीन गायब करने के बदले बहुत सारा पैसा देने वाले थे, लेकिन मारन की स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से ये खबर सूजा तक पहुँच गई और वह अपने पिता को बहुत अच्छा आदमी समझती थी। पिता के किए गलत कामों में सुधारने के लिए ईवीएम मशीन पुलिस के हवाले कर देती है। पार्थिबन समझ जाता है कि अब वो शहर में रहना सेफ नहीं है। वह सुधा के सामने सामान बांधने के लिए जाता है और ज़रूरी काम से बाहर चला जाता है। फिर इस मूवी के अंदर आपको और भी ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलता है। फिर वापस आने के बाद पार्थिबन को सुजा आग की लपड़ों में घिरी हुई मिली। फिल्म में दिखाया नहीं गया है कि लेकिन स्पष्ट ही जाए तो जो पजवान के लोगों है उन्होंने सुजा को जिंदा चला दिया था। पार्थिबन इस त्रासदी के लिए मारने को जिम्मेदार समझता है क्योंकि स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से उसकी सारी चीज़ें बिगड़ी थी और इसी का बदला लेने के लिए वो जो हीरो था उसकी बहन को किडनैप करता है। तो यही इस मूवी की कहानी है। पार्थिबन मारने दरअसल वो जो लड़का है पार्थिबन वो मारन को यह एहसास दिलाना चाहता था कि जिंदगी में बहन की कितनी वैल्यू होती है और अपना कोई दूर होता है तो कितना दुख होता है, इसलिए उसने सब कुछ किया था। फिर वो वापस लास्ट में जो है वो मारन की बहन को लौटा देता है और बता देता है कि तेरी बहन यहाँ पर है, चल ले आ। वहीं पर मूवी ख़त्म होती है। आज हम एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मारन। और अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी है, साथ ही में इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने वाला हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मारन मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था।
यह मूवी तमिल भाषा में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी। इस मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 4.4 की रेटिंग मिली थी और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी 17% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ था। मूवी की कहानी इतनी खास नहीं है, एक बार इस मूवी को देखा जा सकता है। बाकी इस मूवी का जो डायरेक्टर था उसने काफ़ी सारी मूवीज पहले बनाई हुई है पर यह मूवी इतनी खास मुझे नहीं लगी। खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना खुद का ओपिनियन दे सकते हैं। हाँ इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है GV प्रकाश कुमार का जो काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करें इस मूवी की मैन कास्ट के बारे में तो एक्टर धनुष, स्मृति वेंकट, मालविका मोहनन, आमिर सुल्तान, महेंद्रन, सम्मोदकरणी, कृष्णा कुमार, राम की, जया प्रकाश, जीवा रवि, ऐसे यहाँ पर और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के अंदर जो हीरो है उन्हीं का नाम मारन रहता है। चलिए बात करते हैं इस मूवी की हिंदी वर्जन के बारे में कि यह मूवी कहाँ पे हिंदी में उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ यह मूवी अभी हिंदी में ऑफिशियल रिलीज नहीं हुई है पर जो इसका अनऑफिशियल डब वर्जन है वो आपको काफ़ी जगह पर मिल जाएगा। जो अनऑफिशियल सोर्स है वहाँ से आप देख सकते हैं अगर हिंदी में देखना है। बाकी अगर आप इसे ऑफिशियल हिंदी में देखना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इस मूवी के डबिंग राइट्स को गोल्डमैन ने बाय किया हुआ है और वो लोग इस मूवी को बहुत जल्दी ही TV पर रिलीज़ करवा देंगे। फिर ये यूट्यूब पर भी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी। अगर हम लोग इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में थोड़ी बात करें तो शुरुआत में हमें देखने को मिलता है सत्यमूर्ति यानी कि जो राम की है वो एक आदर्शवादी और ईमानदार खोजी पत्रकार होते हैं और एक रसूखदार व्यक्ति है। स्कूल में संबंधित घोटाले को सामने लाने की वजह से उनकी हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले वे अपने बेटे मारन को ईमानदार होने के साथ ही सामर्थ्यवान बनने की शिक्षा दी जाते हैं जिससे कि वे पत्रियता के वसूलों के साथ अपने प्रियजनों की रक्षा भी कर सके। जिस दिन पिता की हत्या हुई होती है उस दिन मारन को उसकी माँ की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है, मतलब कि अब जो है वो मारन अकेला है और वह उसकी नवजात बहन और उसके दूसरे परिवार के साथ रहता है। मारन अकेले अपनी बहन श्वेता को पालता है, पोसता है, वो खुद भी पढ़ता है और अपनी बहन को भी पढ़ाता है। बचपन में एक बार गिरने की वजह से श्वेता के हाथ में चोट लग गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए हाथ में मेटल की प्लेट डाल दी थी। बड़े होकर मारन यानी कि जो धनुष है वो अपने पिता की तरह ही द न्यूज़ नाम से मीडिया हाउस में पत्रकारी नौकरी करने लगता है। समय के साथ एक उभरता हुआ वो खोजी पत्रकार के रूप में उसे प्रसिद्धि मिल जाती है। प्रसिद्धि के कारण जो मारन है उनकी जिंदगी तारा यानी कि मालविका मोहन के रूप में प्रेम भी आ जाता है। वे दोनों ऑफिस में साथ में काम करते थे। पुलिस ऑफिसर अर्जुन यानी कि कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम मारन के स्कूल के दिनों से ही पुराना दोस्त होता है। अर्जुन उसे पूर्व मंत्री पजहानी यानी कि समुद्रकरण के बारे में बताता है। पजहानी यानी कि VE पजवानी जो होता है वो EVM मशीन की अदला बदली कर उपजाऊ जीतने के लिए योजना बनाता है। अर्जुन मारन को पजवानी का भांडाफोड़ करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करने का प्लानिंग करता है। स्टिंग ऑपरेशन से EVM मशीन की अदला बदली की खबर पुख्ता होती है। अगले दिन यह खबर मीडिया में छा जाती है। पजवानी अपना खेल बिगड़ते देख के मारन के मौजूद सबूत हासिल करने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे मोड़ देखने को मिलते हैं। एक दिन अचानक मारन के पास कॉल आता है कि श्वेता का अपहरण हो गया है और जिन लोगों ने मारन की बहन को किडनैप किया था वो लोग मारन को एक ऐसी जगह पर बुलाते हैं जो कि एक खाली बिल्डिंग होती है। फिर यहाँ पर फिर बताता है कि वे दोनों ही साथ में जब श्वेता का अपहरण हुआ था और उसी दिन ही वे पीछे से धक्का मार के गिरा दिया गया था, इसलिए वह अपहरणकर्ताओं को देख नहीं पाया। लेकिन उसे याद था कि अपहरणकर्ता नीला रंग की शर्ट में आए थे और कान में हीरिंग और एक पहन रखा था। मारन इस जानकारी पुलिस को देता है और खोजबीन के कुछ तार पूर्व मंत्री पजवानी से भी जुड़े रहते हैं। पजहानी से मिलने के बाद मारन को यकीन हो गया था कि श्वेता को उसने अगवा नहीं करवाया है। अगर श्वेता का कत्ल पजवानी ने करवाया होता तो उसे मालूम पड़ जाता आखिरकार किसने उसे मारा है या फिर उसकी किडनैप हुई है। वो इस मूवी के अंदर रहस्य छुपा होता है। नीले रंग की जो क्रिएटर की खोज मारन कर रहा होता है
वो पार्थिबन यानी कि अमिर तक ले जाती है। पार्थिबन और मारन के बीच में जमकर लड़ाई हुई और लहूलुहान पार्थिबन कहता है कि तुम मुझे मार भी डालोगे तब भी मैं बताऊंगा नहीं कि तुम्हारी बहन जिंदा है या नहीं, और जिंदा तो हो नहीं जाएंगी। इस जगह पर मारन पहली बार यह रहस्य उद्घाटन करता है और इसे मालूम है कि श्वेता मरी नहीं है, और यह बात इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लाश के हाथ के भीतर किसी मेटल प्लेट का जिक्र नहीं था। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, जो मारन की बहन थी उसके हाथ में मेटल प्लेट लगी थी, इसलिए मारन को यकीन हो गया था कि वह उसकी बहन नहीं है। अगर श्वेता जिंदा है तो कहाँ है? पार्थिबन श्वेता की मौत का नाटक क्यों कर रहा था? इन प्रश्नों के जवाब के लिए आपको कहानी फ्लैशबैक में जाती हुई नजर आएंगी। सूजा पार्थिबन की इकलौती बेटी होती है और उसकी और श्वेता की उम्र लगभग समान होती है। सूजा का मन मेडिकल के लिए पढ़ाई करने वाला था। इतनी महंगी पढ़ाई कराने के लिए पार्थिबन के पास रुपये नहीं थे। पझानी के लोग पार्थिबन को EVM मशीन गायब करने के बदले बहुत सारा पैसा देने वाले थे, लेकिन मारन की स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से ये खबर सूजा तक पहुंच गई और वह अपने पिता को बहुत अच्छा आदमी समझती थी। पिता के किए गलत कामों में सुधारने के लिए EVM मशीन पुलिस के हवाले कर देती है। पार्थिबन समझ जाता है कि अब वो शहर में रहना सेफ नहीं है। वह सूजा के सामने सामान बांधने के लिए जाता है और ज़रूरी काम से बाहर चला जाता है। फिर इस मूवी के अंदर आपको और भी ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलता है। फिर वापस आने के बाद पार्थिबन को सूजा आग की लपड़ों में घिरी हुई मिली। फिल्म में दिखाया नहीं गया है कि लेकिन स्पष्ट ही जाए तो जो पजवान के लोगों है उन्होंने सूजा को जिंदा चला दिया था। पार्थिबन इस त्रासदी के लिए मारने को जिम्मेदार समझता है क्योंकि स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से उसकी सारी चीज़ें बिगड़ी थी, और इसी का बदला लेने के लिए वो जो हीरो था उसकी बहन को किडनैप करता है। तो यही इस मूवी की कहानी है। पार्थिबन मारने, दरअसल वो जो लड़का है पार्थिबन, वो मारन को यह एहसास दिलाना चाहता था कि ज़िंदगी में बहन की कितनी वैल्यू होती है और अपना कोई दूर होता है तो कितना दुख होता है, इसलिए उसने सब कुछ किया था। फिर वो वापस लास्ट में जो है वो मारन की बहन को लौटा देता है और बता देता है कि तेरी बहन यहाँ पर है, चल ले आ। वहीं पर मूवी ख़त्म होती है। आज हम एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मारन। और अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी है, साथ ही में इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने वाला हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मारन मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी तमिल भाषा में डिजनी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ हुई थी। इस मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी क्योंकि जो IMDB है वहां पर 10 out of 4.4 की रेटिंग मिली थी, और जो गूगल यूज़र है वहां पर भी 17% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ था। मूवी की कहानी इतनी खास नहीं है, एक बार इस मूवी को देखा जा सकता है। बाकी इस मूवी का जो डायरेक्टर था उसने काफ़ी सारी मूवीज़ पहले बनाई हुई है, पर यह मूवी इतनी खास मुझे नहीं लगी। खैर, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना खुद का ओपिनियन दे सकते हैं। हाँ, इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है GV प्रकाश कुमार का, जो काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करें इस मूवी की मैन कास्ट के बारे में तो एक्टर धनुष, स्मृति वेंकट, मालविका मोहनन, अमीर सुल्तान, महेंद्रन, सम्मोदकरणी, कृष्णा कुमार, राम की, जया प्रकाश, जीवा रवि, ऐसे यहाँ पर और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के अंदर जो हीरो है उन्हीं का नाम मारन रहता है। चलिए बात करते हैं इस मूवी की हिंदी वर्जन के बारे में कि यह मूवी कहाँ पे हिंदी में उपलब्ध है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ यह मूवी अभी हिंदी में ऑफिशियल रिलीज़ नहीं हुई है, पर जो इसका अनऑफिशियल डब वर्जन है वो आपको काफ़ी जगह पर मिल जाएगा। जो अनऑफिशियल सोर्स है वहाँ से आप देख सकते हैं अगर हिंदी में देखना है। बाकी अगर आप इसे ऑफिशियल हिंदी में देखना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इस मूवी के डबिंग राइट्स को गोल्डमैन ने बाय किया हुआ है और वो लोग इस मूवी को बहुत जल्दी ही TV पर रिलीज़ करवा देंगे। फिर ये YouTube पर भी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी। अगर हम लोग इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में थोड़ी बात करें तो शुरुआत में हमें देखने को मिलता है सत्यमूर्ति यानी कि जो राम की है वो एक आदर्शवादी और ईमानदार खोजी पत्रकार होते हैं और एक रसूखदार व्यक्ति है। स्कूल में संबंधित घोटाले को सामने लाने की वजह से उनकी हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले वे अपने बेटे मारन को ईमानदार होने के साथ ही
सामर्थ्यवान बनने की शिक्षा दी जाते हैं, जिससे कि वे पत्रीयता के वसूलों के साथ अपने प्रियजनों की रक्षा भी कर सके। जिस दिन पिता की हत्या हुई होती है उस दिन मारण को उसकी माँ की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है, मतलब कि अब जो है वो मारण अकेला है और वह उसकी नवजात बहन और उसके दूसरे परिवार के साथ रहता है। मारण अकेले अपनी बहन श्वेता को पालता है, पोसता है, वो खुद भी पढ़ता है और अपनी बहन को भी पढ़ाता है। बचपन में एक बार गिरने की वजह से श्वेता के हाथ में चोट लग गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए हाथ में मेटल की प्लेट डाल दी थी। बड़े होकर मारण यानी कि जो धनुष है वो अपने पिता की तरह ही द न्यूज़ नाम से मीडिया हाउस में पत्रकारी नौकरी करने लगता है। समय के साथ एक उभरता हुआ वो खोजी पत्रकार के रूप में उसे प्रसिद्धि मिल जाती है। प्रसिद्धि के कारण जो मारण है उनकी जिंदगी तारा यानी कि मालविका मोहन के रूप में प्रेम भी आ जाता है। वे दोनों ऑफिस में साथ में काम करते थे। पुलिस ऑफिसर अर्जुन यानी कि कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम मारण के स्कूल के दिनों से ही पुराना दोस्त होता है। अर्जुन उसे पूर्व मंत्री पजहानी यानी कि समुद्रकरण के बारे में बताता है। पजहानी यानी कि वी ई पजवानी जो होता है वो ईवीएम मशीन की अदला बदली कर उपजाणु जीतने के लिए योजना बनाता है। अर्जुन मारण को पजवानी का भांडाफोड़ करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करने का प्लानिंग करता है। स्टिंग ऑपरेशन से ईवीएम मशीन की अदला बदली की खबर पुख्ता होती है। अगले दिन यह खबर मीडिया में छा जाती है। पजवानी अपना खेल बिगड़ते देख के मारण के मौजूद सबूत हासिल करने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे मोड़ देखने को मिलते हैं। एक दिन अचानक मारण के पास कॉल आता है कि श्वेता का अपहरण हो गया है और जिन लोगों ने मारण की बहन को किडनैप किया था वो लोग मारण को एक ऐसी जगह पर बुलाते हैं जो कि एक खाली बिल्डिंग होती है। फिर यहाँ पर फिर बताता है कि वे दोनों ही साथ में जब श्वेता का अपहरण हुआ था और उसी दिन ही वे पीछे से धक्का मार के गिरा दिया गया था, इसलिए वह अपहरणकर्ताओं को देख नहीं पाया। लेकिन उसे याद था कि अपहरणकर्ता नीला रंग की शर्ट में आए थे और कान में हीरिंग और एक पहन रखा था। मारने जानकारी पुलिस को देता है और खोजबीन के कुछ तार पूर्व मंत्री पजवानी से भी जुड़े रहते हैं। पजहानी से मिलने के बाद मारण को यकीन हो गया था कि श्वेता को उसने अगवा नहीं करवाया है। अगर श्वेता का कत्ल पजवानी ने करवाया होता तो उसे मालूम पड़ जाता आखिरकार किसने उसे मारा है या फिर उसकी किडनैप हुई है। वो इस मूवी के अंदर रहस्य छुपा होता है। नीले रंग की जो क्रिएटर की खोज मारण कर रहा होता है वो पार्थिबन यानी कि अमिर तक ले जाती है। पार्थिबन और मारण के बीच में जमकर लड़ाई हुई और लहूलुहान पार्थिबन कहता है कि तुम मुझे मार भी डालोगे तब भी मैं बताऊंगा नहीं कि तुम्हारी बहन जिंदा है या नहीं, और जिंदा तो हो नहीं जाएंगी। इस जगह पर मारण पहली बार यह रहस्य उद्घाटन करता है और इसे मालूम है कि श्वेता मरी नहीं है। और यह बात इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लाश के हाथ के भीतर किसी मेटल प्लेट का जिक्र नहीं था। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया जो मारण की बहन थी उसके हाथ में मेटल प्लेट लगी थी, इसलिए मारण को यकीन हो गया था कि वह उसकी बहन नहीं है। अगर श्वेता जिंदा है तो कहाँ है? पार्थिबन श्वेता की मौत का नाटक क्यों कर रहा था? इन प्रश्नों के जवाब के लिए आपको कहानी फ्लैशबैक में जाती हुई नजर आएंगी। सूजा पार्थिबन की इकलौती बेटी होती है और उसकी और श्वेता की उम्र लगभग समान होती है। सूजा का मन मेडिकल के लिए पढ़ाई करने वाला था। इतनी महंगी पढ़ाई कराने के लिए पार्थिबन के पास रुपये नहीं थे। पजहानी के लोग पार्थिबन को ईवीएम मशीन गायब करने के बदले बहुत सारा पैसा देने वाले थे, लेकिन मारण की स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से ये खबर सूजा तक पहुँच गई और वह अपने पिता को बहुत अच्छा आदमी समझती थी। पिता के किए गलत कामों में सुधारने के लिए ईवीएम मशीन पुलिस के हवाले कर देती है। पार्थिबन समझ जाता है कि अब वो शहर में रहना सेफ नहीं है। वह सुधा के सामने सामान बांधने के लिए जाता है और ज़रूरी काम से बाहर चला जाता है। फिर इस मूवी के अंदर आपको और भी ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलता है। फिर वापस आने के बाद पार्थिबन को सुजा आग की लपड़ों में घिरी हुई मिली। फिल्म में दिखाया नहीं गया है कि लेकिन स्पष्ट ही जाए तो जो पजवान के लोगों है उन्होंने सुजा को जिंदा चला दिया था। पार्थिबन इस त्रासदी के लिए मारने को जिम्मेदार समझता है क्योंकि स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से उसकी सारी चीज़ें बगड़ी थी और इसी का बदला लेने के लिए वो जो हीरो था उसकी बहन को किडनैप करता है। तो यही इस मूवी की कहानी है। पार्थिबन मारने
दरअसल वो जो लड़का है पार्थबन, वो मारन को यह एहसास दिलाना चाहता था कि जिंदगी में बहन की कितनी वैल्यू होती है और अपना कोई दूर होता है तो कितना दुख होता है। इसलिए उसने सब कुछ किया था। फिर वो वापस लास्ट में जो है वो मारन की बहन को लौटा देता है और बता देता है कि तेरी बहन यहाँ पर है, चल ले आ। वहीं पर मूवी खत्म होती है। हाजम एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है मारन। और अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी है, साथ ही में इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने वाला हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मारन मूवी को 2022 में रिलीज किया गया था। यह मूवी तमिल भाषा में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी। इस मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी क्योंकि जो IMDb है वहाँ पर 10 out of 4.4 की रेटिंग मिली थी और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी 17% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ था। मूवी की कहानी इतनी खास नहीं है, एक बार इस मूवी को देखा जा सकता है। बाकी इस मूवी का जो डायरेक्टर था उसने काफ़ी सारी मूवीज पहले बनाई हुई है, पर यह मूवी इतनी खास मुझे नहीं लगी। खैर, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना खुद का ओपिनियन दे सकते हैं। हाँ, इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है जीवी प्रकाश कुमार का, जो काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करें इस मूवी की मैन कास्ट के बारे में तो एक्टर धनुष, स्मृति वेंकट, मालविका मोहनन, आमिर सुल्तान, महेंद्रन, सम्मोदकरणी, कृष्णा कुमार, राम की, जया प्रकाश, जीवा रवि, ऐसे यहाँ पर और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के अंदर जो हीरो है उन्हीं का नाम मारन रहता है। चलिए बात करते हैं इस मूवी की हिंदी वर्जन के बारे में कि यह मूवी कहाँ पे हिंदी में उपलब्ध है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ यह मूवी अभी हिंदी में ऑफिशियल रिलीज़ नहीं हुई है, पर जो इसका अनऑफिशियल डब वर्जन है वो आपको काफ़ी जगह पर मिल जाएगा। जो अनऑफिशियल सोर्स है वहाँ से आप देख सकते हैं अगर हिंदी में देखना है। बाकी अगर आप इसे ऑफिशियल हिंदी में देखना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इस मूवी के डबिंग राइट्स को गोल्डमैन ने बाय किया हुआ है और वो लोग इस मूवी को बहुत जल्दी ही टीवी पर रिलीज़ करवा देंगे। फिर ये यूट्यूब पर भी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी। अगर हम लोग इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में थोड़ी बात करें तो शुरुआत में हमें देखने को मिलता है सत्यमूर्ति, यानी कि जो राम की है, वो एक आदर्शवादी और ईमानदार खोजी पत्रकार होते हैं और एक रसूखदार व्यक्ति है। स्कूल में संबंधित घोटाले को सामने लाने की वजह से उनकी हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले वे अपने बेटे मारन को ईमानदार होने के साथ ही सामर्थ्यवान बनने की शिक्षा दी जाते हैं, जिससे कि वे पत्रीयता के वसूलों के साथ अपने प्रियजनों की रक्षा भी कर सके। जिस दिन पिता की हत्या हुई होती है उस दिन मारन को उसकी माँ की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है। मतलब कि अब जो है वो मारन अकेला है और वह उसकी नवजात बहन और उसके दूसरे परिवार के साथ रहता है। मारन अकेले अपनी बहन श्वेता को पालता है, पोसता है, वो खुद भी पढ़ता है और अपनी बहन को भी पढ़ाता है। बचपन में एक बार गिरने की वजह से श्वेता के हाथ में चोट लग गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए हाथ में मेटल की प्लेट डाल दी थी। बड़े होकर मारन यानी कि जो धनुष है वो अपने पिता की तरह ही द न्यूज़ नाम से मीडिया हाउस में पत्रकारी नौकरी करने लगता है। समय के साथ एक उभरता हुआ वो खोजी पत्रकार के रूप में उसे प्रसिद्धि मिल जाती है। प्रसिद्धि के कारण जो मारन है उनकी जिंदगी तारा यानी कि मालविका मोहन के रूप में प्रेम भी आ जाता है। वे दोनों ऑफिस में साथ में काम करते थे। पुलिस ऑफिसर अर्जुन यानी कि कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम मारन के स्कूल के दिनों से ही पुराना दोस्त होता है। अर्जुन उसे पूर्व मंत्री पजहानी यानी कि समुद्रकरण के बारे में बताता है। पजहानी यानी कि वी ई पजवानी जो होता है वो EVM मशीन की अदला बदली कर उपजाऊ जीतने के लिए योजना बनाता है। अर्जुन मारन को पजवानी का भांडाफोड़ करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करने का प्लानिंग करता है। स्टिंग ऑपरेशन से EVM मशीन की अदला बदली की खबर पुख्ता होती है। अगले दिन यह खबर मीडिया में छा जाती है। पजवानी अपना खेल बिगड़ते देख के मारन के मौजूद सबूत हासिल करने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे मोड़ देखने को मिलते हैं। एक दिन अचानक मारन के पास कॉल आता है।
की श्वेता का अपहरण हो गया है और जिन लोगों ने मारन की बहन को किडनैप किया था वो लोग मारन को एक ऐसी जगह पर बुलाते हैं जो कि एक खाली बिल्डिंग होती है। फिर यहाँ पर फिर बताता है कि वे दोनों ही साथ में जब श्वेता का अपहरण हुआ था और उसी दिन ही वे पीछे से धक्का मार के गिरा दिया गया था, इसलिए वह अपहरणकर्ताओं को देख नहीं पाया। लेकिन उसे याद था कि अपहरणकर्ता नीला रंग की शर्ट में आए थे और कान में हीरिंग और एक पहन रखा था। मारने जानकारी पुलिस को देता है और खोजबीन के कुछ तार पूर्व मंत्री पजवानी से भी जुड़े रहते हैं। पजहानी से मिलने के बाद मारन को यकीन हो गया था कि श्वेता को उसने अगवा नहीं करवाया है। अगर श्वेता का कत्ल पजवानी ने करवाया होता तो उसे मालूम पड़ जाता आखिरकार किसने उसे मारा है या फिर उसकी किडनैप हुई है। वो इस मूवी के अंदर रहस्य छुपा होता है। नीले रंग की जो क्रिएटर की खोज मारन कर रहा होता है वो पार्थिबन यानी कि अमित तक ले जाती है। पार्थिबन और मारन के बीच में जमकर लड़ाई हुई और लहूलुहान पार्थिबन कहता है कि तुम मुझे मार भी डालोगे तब भी मैं बताऊंगा नहीं कि तुम्हारी बहन जिंदा है या नहीं, और जिंदा तो हो नहीं जाएंगी। इस जगह पर मारन पहली बार यह रहस्य उद्घाटन करता है और इसे मालूम है कि श्वेता मरी नहीं है। और यह बात इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लाश के हाथ के भीतर किसी मेटल प्लेट का जिक्र नहीं था। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, जो मारन की बहन थी उसके हाथ में मेटल प्लेट लगी थी, इसलिए मारन को यकीन हो गया था कि वह उसकी बहन नहीं है। अगर श्वेता जिंदा है तो कहाँ है? पार्थिबन श्वेता की मौत का नाटक क्यों कर रहा था? इन प्रश्नों के जवाब के लिए आपको कहानी फ्लैशबैक में जाती हुई नजर आएंगी। सूजा पार्थिबन की इकलौती बेटी होती है और उसकी और श्वेता की उम्र लगभग समान होती है। सूजा का मन मेडिकल के लिए पढ़ाई करने वाला था। इतनी महंगी पढ़ाई कराने के लिए पार्थिबन के पास रुपये नहीं थे। पजहानी के लोग पार्थिबन को EVM मशीन गायब करने के बदले बहुत सारा पैसा देने वाले थे, लेकिन मारन की स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से ये खबर सूजा तक पहुँच गई और वह अपने पिता को बहुत अच्छा आदमी समझती थी। पिता के किए गलत कामों में सुधारने के लिए EVM मशीन पुलिस के हवाले कर देती है। पार्थिबन समझ जाता है कि अब वो शहर में रहना सेफ नहीं है। वह सुजा के सामने सामान बांधने के लिए जाता है और ज़रूरी काम से बाहर चला जाता है। फिर इस मूवी के अंदर आपको और भी ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलता है। फिर वापस आने के बाद पार्थिबन को सुजा आग की लपड़ों में गिरी हुई मिली। फिल्म में दिखाया नहीं गया है कि लेकिन स्पष्ट ही जाए तो जो पजवान के लोगों है उन्होंने सुजा को जिंदा चला दिया था। पार्थिबन इस त्रासदी के लिए मारने को जिम्मेदार समझता है क्योंकि स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से उसकी सारी चीज़ें बगड़ी थी और इसी का बदला लेने के लिए वो जो हीरो था उसकी बहन को किडनैप करता है। तो यही इस मूवी की कहानी है, पार्थिबन मारने। दरअसल वो जो लड़का है पार्थिबन, वो मारन को यह एहसास दिलाना चाहता था कि ज़िंदगी में बहन की कितनी वैल्यू होती है और अपना कोई दूर होता है तो कितना दुख होता है, इसलिए उसने सब कुछ किया था। फिर वो वापस लास्ट में जो है वो मारन की बहन को लौटा देता है और बता देता है कि तेरी बहन यहाँ पर है, चल ले आ। वहीं पर मूवी ख़त्म होती है। हाजम एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मारन। और अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी है, साथ ही में इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने वाला हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मारन मूवी को 2022 में रिलीज किया गया था। यह मूवी तमिल भाषा में डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर रिलीज हुई थी। इस मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी क्योंकि जो IMDB है वहां पर 10 out of 4.4 की रेटिंग मिली थी और जो गूगल यूजर है वहां पर भी 17% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ था। मूवी की कहानी इतनी खास नहीं है, एक बार इस मूवी को देखा जा सकता है। बाकी इस मूवी का जो डायरेक्टर था उसने काफ़ी सारी मूवीज़ पहले बनाई हुई है पर यह मूवी इतनी खास मुझे नहीं लगी। खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना खुद का ओपिनियन दे सकते हैं। हाँ, इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है GV प्रकाश कुमार का, जो काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करें इस मूवी की मेन कास्ट के बारे में तो एक्टर धनुष, स्मृति वेंकट, मालविका मोहनन, अमीर सुल्तान, महेंद्रन, सम्मोदकरणी, कृष्णा कुमार, राम की, जया प्रकाश, जीवा रवि, ऐसे यहाँ पर और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के अंदर जो हीरो है उन्हीं का नाम मारन रहता है। चलिए बात करते हैं इस मूवी की हिंदी वर्जन के बारे में कि यह मूवी कहाँ पे
हिंदी में उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, यह मूवी अभी हिंदी में ऑफिशियल रिलीज़ नहीं हुई है, पर जो इसका अनऑफिशियल डब वर्जन है वो आपको काफ़ी जगह पर मिल जाएगा। जो अनऑफिशियल सोर्स है वहाँ से आप देख सकते हैं अगर हिंदी में देखना है। बाकी अगर आप इसे ऑफिशियल हिंदी में देखना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस मूवी के डबिंग राइट्स को गोल्डमैन ने बाय किया हुआ है और वो लोग इस मूवी को बहुत जल्दी ही टीवी पर रिलीज़ करवा देंगे। फिर ये यूट्यूब पर भी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी। अगर हम लोग इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में थोड़ी बात करें तो शुरुआत में हमें देखने को मिलता है सत्यमूर्ति यानी कि जो राम की है वो एक आदर्शवादी और ईमानदार खोजी पत्रकार होते हैं और एक रसूखदार व्यक्ति है। स्कूल में संबंधित घोटाले को सामने लाने की वजह से उनकी हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले वे अपने बेटे मारन को ईमानदार होने के साथ ही सामर्थ्यवान बनने की शिक्षा दी जाते हैं, जिससे कि वे पत्रियता के वसूलों के साथ अपने प्रियजनों की रक्षा भी कर सके। जिस दिन पिता की हत्या हुई होती है उस दिन मारन को उसकी माँ की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है, मतलब कि अब जो है वो मारन अकेला है और वह उसकी नवजात बहन और उसके दूसरे परिवार के साथ रहता है। मारन अकेले अपनी बहन श्वेता को पालता है, पोसता है, वो खुद भी पढ़ता है और अपनी बहन को भी पढ़ाता है। बचपन में एक बार गिरने की वजह से श्वेता के हाथ में चोट लग गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए हाथ में मेटल की प्लेट डाल दी थी। बड़े होकर मारन यानी कि जो धनुष है वो अपने पिता की तरह ही द न्यूज़ नाम से मीडिया हाउस में पत्रकारी नौकरी करने लगता है। समय के साथ एक उभरता हुआ वो खोजी पत्रकार के रूप में उसे प्रसिद्धि मिल जाती है। प्रसिद्धि के कारण जो मारन है उनकी जिंदगी तारा यानी कि मालविका मोहन के रूप में प्रेम भी आ जाता है। वे दोनों ऑफिस में साथ में काम करते थे। पुलिस ऑफिसर अर्जुन यानी कि कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम मारन के स्कूल के दिनों से ही पुराना दोस्त होता है। अर्जुन उसे पूर्व मंत्री पजहानी यानी कि समुद्रकरण के बारे में बताता है। पजहानी यानी कि वी ई पजवानी जो होता है वो EVM मशीन की अदला बदली कर उपजाणु जीतने के लिए योजना बनाता है। अर्जुन मारन को पजवानी का भांडाफोड़ करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करने का प्लानिंग करता है। स्टिंग ऑपरेशन से EVM मशीन की अदला बदली की खबर पुख्ता होती है। अगले दिन यह खबर मीडिया में छा जाती है। पजवानी अपना खेल बिगड़ते देख के मारन के मौजूद सबूत हासिल करने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे मोड़ देखने को मिलते हैं। एक दिन अचानक मारन के पास कॉल आता है कि श्वेता का अपहरण हो गया है और जिन लोगों ने मारन की बहन को किडनैप किया था वो लोग मारन को एक ऐसी जगह पर बुलाते हैं जो कि एक खाली बिल्डिंग होती है। फिर यहाँ पर फिर बताता है कि वे दोनों ही साथ में जब श्वेता का अपहरण हुआ था और उसी दिन ही वे पीछे से धक्का मार के गिरा दिया गया था, इसलिए वह अपहरणकर्ताओं को देख नहीं पाया। लेकिन उसे याद था कि अपहरणकर्ता नीला रंग की शर्ट में आए थे और कान में हीरिंग और एक पहन रखा था। मारने जानकारी पुलिस को देता है और खोजबीन के कुछ तार पूर्व मंत्री पजवानी से भी जुड़े रहते हैं। पजहानी से मिलने के बाद मारन को यकीन हो गया था कि श्वेता को उसने अगवा नहीं करवाया है। अगर श्वेता का कत्ल पजवानी ने करवाया होता तो उसे मालूम पड़ जाता आखिरकार किसने उसे मारा है या फिर उसकी किडनैप हुई है। वो इस मूवी के अंदर रहस्य छुपा होता है। नीले रंग की जो क्रिएटर की खोज मारन कर रहा होता है वो पार्थिबन यानी कि अमित तक ले जाती है। पार्थिबन और मारन के बीच में जमकर लड़ाई हुई और लहूलुहान पार्थिबन कहता है कि तुम मुझे मार भी डालोगे तब भी मैं बताऊंगा नहीं कि तुम्हारी बहन जिंदा है या नहीं, और जिंदा तो हो नहीं जाएंगी। इस जगह पर मारन पहली बार यह रहस्य उद्घाटन करता है और इसे मालूम है कि श्वेता मरी नहीं है और यह बात इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लाश के हाथ के भीतर किसी मेटल प्लेट का जिक्र नहीं था। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया जो मारन की बहन थी उसके हाथ में मेटल प्लेट लगी थी, इसलिए मारन को यकीन हो गया था कि वह उसकी बहन नहीं है। अगर श्वेता जिंदा है तो कहाँ है, पार्थिबन श्वेता की मौत का नाटक क्यों कर रहा था। इन प्रश्नों के जवाब के लिए आपको कहानी फ्लैशबैक में जाती हुई नजर आएंगी। सूजा पार्थिबन की इकलौती बेटी होती है और उसकी और श्वेता की उम्र लगभग समान होती है। सूजा का मन मेडिकल के लिए पढ़ाई करने वाला था। इतनी महंगी पढ़ाई कराने के लिए पार्थिबन के पास रुपये नहीं थे। पजहानी के लोग पार्थिबन को EVM मशीन गायब करने के बदले बहुत सारा पैसा देने वाले थे, लेकिन मारन की स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से
ये खबर सुजा तक पहुंच गई और वह अपने पिता को बहुत अच्छा आदमी समझती थी। पिता के किए गलत कामों में सुधारने के लिए ईवीएम मशीन पुलिस के हवाले कर देती है। पार्थिवन समझ जाता है कि अब वो शहर में रहना सेफ नहीं है। वह सुजा के सामने सामान बांधने के लिए जाता है और ज़रूरी काम से बाहर चला जाता है। फिर इस मूवी के अंदर आपको और भी ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलता है। फिर वापस आने के बाद पार्थिवम को सुजा आग की लपड़ों में गिरी हुई मिली। फिल्म में दिखाया नहीं गया है कि लेकिन स्पष्ट ही जाए तो जो पजवान के लोगों है उन्होंने सुजा को जिंदा चला दिया था। पार्थिवन इस त्रासदी के लिए मारने को जिम्मेदार समझता है क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन की वजह से उसकी सारी चीज़ें बगड़ी थी और इसी का बदला लेने के लिए वो जो हीरो था उसकी बहन को किडनैप करता है। तो यही इस मूवी की कहानी है, पार्थिवन मारने। दरअसल वो जो लड़का है पार्थिवन, वो मारन को यह एहसास दिलाना चाहता था कि ज़िंदगी में बहन की कितनी वैल्यू होती है और अपना कोई दूर होता है तो कितना दुख होता है, इसलिए उसने सब कुछ किया था। फिर वो वापस लास्ट में जो है वो मारन की बहन को लौटा देता है और बता देता है कि तेरी बहन यहाँ पर है, चल ले। वहीं पर मूवी ख़त्म होती है। आज हम एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मारन। और अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी है, साथ ही में इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने वाला हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मारन मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी तमिल भाषा में डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर रिलीज़ हुई थी। इस मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 4.4 की रेटिंग मिली थी और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 17% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ था। मूवी की कहानी इतनी खास नहीं है, एक बार इस मूवी को देखा जा सकता है। बाकी इस मूवी का जो डायरेक्टर था उसने काफ़ी सारी मूवीज़ पहले बनाई हुई है पर यह मूवी इतनी खास मुझे नहीं लगी। खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना खुद का ओपिनियन दे सकते हैं। हाँ, इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है जीवी प्रकाश कुमार का, जो काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करें इस मूवी की मैन कास्ट के बारे में तो एक्टर धनुष, स्मृति वेंकट, मालविका मोहनन, आमिर सुल्तान, महेंद्रन, सम्मोदकर्णी, कृष्णा कुमार, राम की, जया प्रकाश, जीवा रवि, ऐसे यहाँ पर और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के अंदर जो हीरो है उन्हीं का नाम मारन रहता है। चलिए बात करते हैं इस मूवी की हिंदी वर्जन के बारे में कि यह मूवी कहाँ पे हिंदी में उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ यह मूवी अभी हिंदी में ऑफिशियल रिलीज़ नहीं हुई है, पर जो इसका अनऑफिशियल डब वर्जन है वो आपको काफ़ी जगह पर मिल जाएगा। जो अनऑफिशियल सोर्स है वहाँ से आप देख सकते हैं अगर हिंदी में देखना है। बाकी अगर आप इसे ऑफिशियल हिंदी में देखना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इस मूवी के डबिंग राइट्स को गोल्डमैन ने बाय किया हुआ है और वो लोग इस मूवी को बहुत जल्दी ही टीवी पर रिलीज़ करवा देंगे। फिर ये यूट्यूब पर भी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी। अगर हम लोग इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में थोड़ी बात करें तो शुरुआत में हमें देखने को मिलता है सत्यमूर्ति यानी कि जो राम की है वो एक आदर्शवादी और ईमानदार खोजी पत्रकार होते हैं और एक रसूखदार व्यक्ति है। स्कूल में संबंधित घोटाले को सामने लाने की वजह से उनकी हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले वे अपने बेटे मारन को ईमानदार होने के साथ ही सामर्थ्यवान बनने की शिक्षा दी जाते हैं जिससे कि वे पत्रियता के वसूलों के साथ अपने प्रियजनों की रक्षा भी कर सके। जिस दिन पिता की हत्या हुई होती है उस दिन मारन को उसकी माँ की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है, मतलब कि अब जो है वो मारन अकेला है और वह उसकी नवजात बहन और उसके दूसरे परिवार के साथ रहता है। मारन अकेले अपनी बहन श्वेता को पालता है, पोसता है, वो खुद भी पढ़ता है और अपनी बहन को भी पढ़ाता है। बचपन में एक बार गिरने की वजह से श्वेता के हाथ में चोट लग गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए हाथ में मेटल की प्लेट डाल दी थी। बड़े होकर मारन यानी कि जो धनुष है वो अपने पिता की तरह ही द न्यूज़ नाम से मीडिया हाउस में पत्रकारी नौकरी करने लगता है। समय के साथ एक उभरता हुआ वो खोजी पत्रकार के रूप में उसे प्रसिद्धि मिल जाती है। प्रसिद्धि के कारण जो मारन है उनकी जिंदगी तारा यानी कि मालविका मोहन के रूप में प्रेम भी आ जाता है। वे दोनों ऑफिस में साथ में काम करते थे। पुलिस ऑफिसर अर्जुन यानी कि कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम
मारन के स्कूल के दिनों से ही पुराना दोस्त होता है। अर्जुन उसे पूर्व मंत्री पजहानी यानी कि समुद्रकरण के बारे में बताता है। पजहानी यानी कि वी ई पजवानी जो होता है वो ईवीएम मशीन की अदला बदली कर कर उपजानु जीतने के लिए योजना बनाता है। अर्जुन मारन को पजवानी का भांडाफोड़ करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करने का प्लानिंग करता है। स्टिंग ऑपरेशन से ईवीएम मशीन की अदला बदली की खबर पुख्ता होती है। अगले दिन यह खबर मीडिया में छा जाती है। पजवानी अपना खेल बिगड़ते देख के मारन के मौजूद सबूत हासिल करने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे मोड़ देखने को मिलते हैं। एक दिन अचानक मारन के पास कॉल आता है कि श्वेता का अपहरण हो गया है और जिन लोगों ने मारन की बहन को किडनैप किया था वो लोग मारन को एक ऐसी जगह पर बुलाते हैं जो कि एक खाली बिल्डिंग होती है। फिर यहाँ पर फिर बताता है कि वे दोनों ही साथ में जब श्वेता का अपहरण हुआ था और उसी दिन ही वे पीछे से धक्का मार के गिरा दिया गया था, इसलिए वह अपहरणकर्ताओं को देख नहीं पाया। लेकिन उसे याद था कि अपहरणकर्ता नीला रंग की शर्ट में आए थे और कान में हीरिंग और एक पहन रखा था। मारन जानकारी पुलिस को देता है और खोजबीन के कुछ तार पूर्व मंत्री पजवानी से भी जुड़े रहते हैं। पजहानी से मिलने के बाद मारन को यकीन हो गया था कि श्वेता को उसने अगवा नहीं करवाया है। अगर श्वेता का कत्ल पजवानी ने करवाया होता तो उसे मालूम पड़ जाता आखिरकार किसने उसे मारा है या फिर उसकी किडनैप हुई है। वो इस मूवी के अंदर रहस्य छुपा होता है। नीले रंग की जो क्रिएटर की खोज मारन कर रहा होता है वो पार्थिबन यानी कि अमित तक ले जाती है। पार्थिबन और मारन के बीच में जमकर लड़ाई हुई और लहूलुहान पार्थिबन कहता है कि तुम मुझे मार भी डालोगे तब भी मैं बताऊंगा नहीं कि तुम्हारी बहन जिंदा है या नहीं, और जिंदा तो हो नहीं जाएंगी। इस जगह पर मारन पहली बार यह रहस्य उद्घाटन करता है और इसे मालूम है कि श्वेता मरी नहीं है। और यह बात इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लाश के हाथ के भीतर किसी मेटल प्लेट का जिक्र नहीं था। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, जो मारन की बहन थी उसके हाथ में मेटल प्लेट लगी थी, इसलिए मारन को यकीन हो गया था कि वह उसकी बहन नहीं है। अगर श्वेता जिंदा है तो कहाँ है? पार्थिबन श्वेता की मौत का नाटक क्यों कर रहा था? इन प्रश्नों के जवाब के लिए आपको कहानी फ्लैशबैक में जाती हुई नजर आएंगी। सूजा पार्थिबन की इकलौती बेटी होती है और उसकी और श्वेता की उम्र लगभग समान होती है। सूजा का मन मेडिकल के लिए पढ़ाई करने वाला था। इतनी महंगी पढ़ाई कराने के लिए पार्थिबन के पास रुपये नहीं थे। पजहानी के लोग पार्थिबन को ईवीएम मशीन गायब करने के बदले बहुत सारा पैसा देने वाले थे, लेकिन मारन की स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से ये खबर सूजा तक पहुँच गई और वह अपने पिता को बहुत अच्छा आदमी समझती थी। पिता के किए गलत कामों में सुधारने के लिए ईवीएम मशीन पुलिस के हवाले कर देती है। पार्थिबन समझ जाता है कि अब वो शहर में रहना सेफ नहीं है। वह सुजा के सामने सामान बांधने के लिए जाता है और ज़रूरी काम से बाहर चला जाता है। फिर इस मूवी के अंदर आपको और भी ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलता है। फिर वापस आने के बाद पार्थिबन को सुजा आग की लपड़ों में घिरी हुई मिली। फिल्म में दिखाया नहीं गया है कि लेकिन स्पष्ट ही जाए तो जो पजवान के लोगों है उन्होंने सुजा को जिंदा चला दिया था। पार्थिबन इस त्रासदी के लिए मारने को जिम्मेदार समझता है क्योंकि स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से उसकी सारी चीज़ें बगड़ी थी और इसी का बदला लेने के लिए वो जो हीरो था उसकी बहन को किडनैप करता है। तो यही इस मूवी की कहानी है, पार्थिबन मारने। दरअसल वो जो लड़का है पार्थिबन, वो मारन को यह एहसास दिलाना चाहता था कि ज़िंदगी में बहन की कितनी वैल्यू होती है और अपना कोई दूर होता है तो कितना दुख होता है, इसलिए उसने सब कुछ किया था। फिर वो वापस लास्ट में जो है वो मारन की बहन को लौटा देता है और बता देता है कि तेरी बहन यहाँ पर है, चल ले। वहीं पर मूवी ख़त्म होती है। आज हम एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मारन। और अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी है, साथ ही में इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने वाला हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मारन मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी तमिल भाषा में डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर रिलीज़ हुई थी। इस मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी क्योंकि जो IMDB है वहां पर 10 out of 4.4 की रेटिंग मिली थी और जो गूगल यूज़र है वहां पर भी 17% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ था। मूवी की कहानी इतनी खास नहीं है, एक बार इस मूवी को देखा जा सकता है।
बाकी इस मूवी का जो डायरेक्टर था उसने काफ़ी सारी मूवीज़ पहले बनाई हुई है, पर ये मूवी इतनी खास मुझे नहीं लगी। खैर, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना खुद का ओपिनियन दे सकते हैं। हाँ, इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है जीवी प्रकाश कुमार का, जो काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करें इस मूवी की मैन कास्ट के बारे में, तो एक्टर धनुष, स्मृति वेंकट, मालविका मोहनन, आमिर सुल्तान, महेंद्रन, सम्मोदकरणी, कृष्णा कुमार, राम की, जया प्रकाश, जीवा रवि, ऐसे यहाँ पर और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के अंदर जो हीरो है उन्हीं का नाम मारन रहता है। चलिए बात करते हैं इस मूवी की हिंदी वर्जन के बारे में कि यह मूवी कहाँ पे हिंदी में उपलब्ध है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, यह मूवी अभी हिंदी में ऑफिशियल रिलीज़ नहीं हुई है, पर जो इसका अनऑफिशियल डब वर्जन है वो आपको काफ़ी जगह पर मिल जाएगा। जो अनऑफिशियल सोर्स है वहाँ से आप देख सकते हैं अगर हिंदी में देखना है। बाकी अगर आप इसे ऑफिशियल हिंदी में देखना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस मूवी के डबिंग राइट्स को गोल्ड मैन ने बाय किया हुआ है और वो लोग इस मूवी को बहुत जल्दी ही टीवी पर रिलीज़ करवा देंगे। फिर ये यूट्यूब पर भी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी। अगर हम लोग इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में थोड़ी बात करें, तो शुरुआत में हमें देखने को मिलता है सत्यमूर्ति, यानी कि जो राम की है, वो एक आदर्शवादी और ईमानदार खोजी पत्रकार होते हैं और एक रसूखदार व्यक्ति है। स्कूल में संबंधित घोटाले को सामने लाने की वजह से उनकी हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले वे अपने बेटे मारन को ईमानदार होने के साथ ही सामर्थ्यवान बनने की शिक्षा दी जाते हैं, जिससे कि वे पत्रकारिता के वसूलों के साथ अपने प्रियजनों की रक्षा भी कर सके। जिस दिन पिता की हत्या हुई होती है उस दिन मारन को उसकी माँ की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है। मतलब कि अब जो है वो मारन अकेला है और वह उसकी नवजात बहन और उसके दूसरे परिवार के साथ रहता है। मारन अकेले अपनी बहन श्वेता को पालता है, पोसता है, वो खुद भी पढ़ता है और अपनी बहन को भी पढ़ाता है। बचपन में एक बार गिरने की वजह से श्वेता के हाथ में चोट लग गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए हाथ में मेटल की प्लेट डाल दी थी। बड़े होकर मारन यानी कि जो धनुष है वो अपने पिता की तरह ही द न्यूज़ नाम से मीडिया हाउस में पत्रकारी नौकरी करने लगता है। समय के साथ एक उभरता हुआ वो खोजी पत्रकार के रूप में उसे प्रसिद्धि मिल जाती है। प्रसिद्धि के कारण जो मारन है उनकी जिंदगी तारा यानी कि मालविका मोहन के रूप में प्रेम भी आ जाता है। वे दोनों ऑफिस में साथ में काम करते थे। पुलिस ऑफिसर अर्जुन यानी कि कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम मारन के स्कूल के दिनों से ही पुराना दोस्त होता है। अर्जुन उसे पूर्व मंत्री पजहानी यानी कि समुदकरण के बारे में बताता है। पजहानी यानी कि वी की पजवानी जो होता है वो EVM मशीन की अदला बदली कर उपजानू जीतने के लिए योजना बनाता है। अर्जुन मारन को पजवानी का भांडाफोड़ करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करने का प्लानिंग करता है। स्टिंग ऑपरेशन से EVM मशीन की अदला बदली की खबर पुख्ता होती है। अगले दिन यह खबर मीडिया में छा जाती है। पजवानी अपना खेल बिगड़ते देख के मारन के मौजूद सबूत हासिल करने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे मोड़ देखने को मिलते हैं। एक दिन अचानक मारन के पास कॉल आता है कि श्वेता का अपहरण हो गया है और जिन लोगों ने मारन की बहन को किडनैप किया था वो लोग मारन को एक ऐसी जगह पर बुलाते हैं जो कि एक खाली बिल्डिंग होती है। फिर यहाँ पर फिर बताता है कि वे दोनों ही साथ में जब श्वेता का अपहरण हुआ था और उसी दिन ही वे पीछे से धक्का मार के गिरा दिया गया था, इसलिए वह अपहरणकर्ताओं को देख नहीं पाया। लेकिन उसे याद था कि अपहरणकर्ता नीला रंग की शर्ट में आए थे और कान में हीरिंग और एक पहन रखा था। मारने जानकारी पुलिस को देता है और खोजबीन के कुछ तार पूर्व मंत्री पजवानी से भी जुड़े रहते हैं। पजहानी से मिलने के बाद मारन को यकीन हो गया था कि श्वेता को उसने अगवा नहीं करवाया है। अगर श्वेता का कत्ल पजवानी ने करवाया होता तो उसे मालूम पड़ जाता आखिरकार किसने उसे मारा है या फिर उसकी किडनैप हुई है। वो इस मूवी के अंदर रहस्य छुपा होता है। नीले रंग की जो क्रिएटर की खोज मारन कर रहा होता है वो पार्थिबन यानी कि अमित तक ले जाती है। पार्थिबन और मारन के बीच में जमकर लड़ाई हुई और लहूलुहान पार्थिबन कहता है कि तुम मुझे मार भी डालोगे तब भी मैं बताऊंगा नहीं कि तुम्हारी बहन जिंदा है या नहीं, और जिंदा तो हो नहीं जाएंगी। इस जगह पर मारन पहली बार यह रहस्य उद्घाटन करता है।
और इसे मालूम है कि श्वेता मरी नहीं है। और यह बात इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लाश के हाथ के भीतर किसी मेटल प्लेट का जिक्र नहीं था। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, जो मारन की बहन थी उसके हाथ में मेटल प्लेट लगी थी, इसलिए मारन को यकीन हो गया था कि वह उसकी बहन नहीं है। अगर श्वेता जिंदा है तो कहाँ है? पार्थिवन श्वेता की मौत का नाटक क्यों कर रहा था? इन प्रश्नों के जवाब के लिए आपको कहानी फ्लैशबैक में जाती हुई नजर आएंगी। सूजा पार्थिवन की इकलौती बेटी होती है और उसकी और श्वेता की उम्र लगभग समान होती है। सूजा का मन मेडिकल के लिए पढ़ाई करने वाला था। इतनी महंगी पढ़ाई कराने के लिए पार्थिवन के पास रुपये नहीं थे। पझानी के लोग पार्थिवन को EVM मशीन गायब करने के बदले बहुत सारा पैसा देने वाले थे, लेकिन मारन की स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से ये खबर सूजा तक पहुंच गई और वह अपने पिता को बहुत अच्छा आदमी समझती थी। पिता के किए गलत कामों में सुधारने के लिए EVM मशीन पुलिस के हवाले कर देती है। पार्थिवन समझ जाता है कि अब वो शहर में रहना सेफ नहीं है। वह सूजा के सामने सामान बांधने के लिए जाता है और ज़रूरी काम से बाहर चला जाता है। फिर इस मूवी के अंदर आपको और भी ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलता है। फिर वापस आने के बाद पार्थिवन को सूजा आग की लपड़ों में गिरी हुई मिली। फिल्म में दिखाया नहीं गया है कि, लेकिन स्पष्ट ही जाए तो जो पजवान के लोगों है उन्होंने सूजा को जिंदा चला दिया था। पार्थिवन इस त्रासदी के लिए मारने को जिम्मेदार समझता है क्योंकि स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से उसकी सारी चीज़ें बगड़ी थी, और इसी का बदला लेने के लिए वो जो हीरो था उसकी बहन को किडनैप करता है। तो यही इस मूवी की कहानी है, पार्थिवन मारने। दरअसल वो जो लड़का है पार्थिवन, वो मारन को यह एहसास दिलाना चाहता था कि ज़िंदगी में बहन की कितनी वैल्यू होती है और अपना कोई दूर होता है तो कितना दुख होता है, इसलिए उसने सब कुछ किया था। फिर वो वापस लास्ट में जो है वो मारन की बहन को लौटा देता है और बता देता है कि तेरी बहन यहाँ पर है, चल ले। वहीं पर मूवी ख़त्म होती है। हाजम एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है मारन। और अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी है, साथ ही में इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने वाला हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मारन मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी तमिल भाषा में डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर रिलीज हुई थी। इस मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 4.4 की रेटिंग मिली थी, और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी 17% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ था। मूवी की कहानी इतनी खास नहीं है, एक बार इस मूवी को देखा जा सकता है। बाकी इस मूवी का जो डायरेक्टर था उसने काफ़ी सारी मूवीज पहले बनाई हुई है, पर यह मूवी इतनी खास मुझे नहीं लगी। खैर, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना खुद का ओपिनियन दे सकते हैं। हाँ, इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है GV प्रकाश कुमार का, जो काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करें इस मूवी की मैन कास्ट के बारे में तो एक्टर धनुष, स्मृति वेंकट, मालविका मोहनन, आमिर सुल्तान, महेंद्रन, सम्मोदकर्णी, कृष्णा कुमार, राम की, जया प्रकाश, जीवा रवि, ऐसे यहाँ पर और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के अंदर जो हीरो है उन्हीं का नाम मारन रहता है। चलिए बात करते हैं इस मूवी की हिंदी वर्जन के बारे में कि यह मूवी कहाँ पे हिंदी में उपलब्ध है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ, यह मूवी अभी हिंदी में ऑफिशियल रिलीज़ नहीं हुई है, पर जो इसका अनऑफिशियल डब वर्जन है वो आपको काफ़ी जगह पर मिल जाएगा। जो अनऑफिशियल सोर्स है वहाँ से आप देख सकते हैं अगर हिंदी में देखना है। बाकी अगर आप इसे ऑफिशियल हिंदी में देखना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस मूवी के डबिंग राइट्स को गोल्डमैन ने बाय किया हुआ है और वो लोग इस मूवी को बहुत जल्दी ही TV पर रिलीज़ करवा देंगे। फिर ये यूट्यूब पर भी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी। अगर हम लोग इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में थोड़ी बात करें तो शुरुआत में हमें देखने को मिलता है सत्यमूर्ति, यानी कि जो राम की है, वो एक आदर्शवादी और ईमानदार खोजी पत्रकार होते हैं और एक रसूखदार व्यक्ति है। स्कूल में संबंधित घोटाले को सामने लाने की वजह से उनकी हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले वे अपने बेटे मारन को ईमानदार होने के साथ ही सामर्थ्यवान बनने की शिक्षा दी जाते हैं, जिससे कि वे पत्रियता के वसूलों के साथ अपने प्रियजनों की रक्षा भी कर सके। जिस दिन पिता की हत्या हुई होती है उस दिन मारन को उसकी माँ की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है, मतलब कि अब जो है वो मारन अकेला है और वह
उसकी नवजात बहन और उसके दूसरे परिवार के साथ रहता है। मारन अकेले अपनी बहन श्वेता को पालता है, पोसता है, वो खुद भी पढ़ता है और अपनी बहन को भी पढ़ाता है। बचपन में एक बार गिरने की वजह से श्वेता के हाथ में चोट लग गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए हाथ में मेटल की प्लेट डाल दी थी। बड़े होकर मारन यानी कि जो धनुष है, वो अपने पिता की तरह ही द न्यूज नाम से मीडिया हाउस में पत्रकारी नौकरी करने लगता है। समय के साथ एक उभरता हुआ वो खोजी पत्रकार के रूप में उसे प्रसिद्धि मिल जाती है। प्रसिद्धि के कारण जो मारन है उनकी जिंदगी तारा यानी कि मालविका मोहन के रूप में प्रेम भी आ जाता है। वे दोनों ऑफिस में साथ में काम करते थे। पुलिस ऑफिसर अर्जुन यानी कि कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम मारन के स्कूल के दिनों से ही पुराना दोस्त होता है। अर्जुन उसे पूर्व मंत्री पजहानी यानी कि समुदकरण के बारे में बताता है। पजहानी यानी कि वी की पजवानी जो होता है वो ईवीएम मशीन की अदला बदली कर उपजानू जीतने के लिए योजना बनाता है। अर्जुन मारन को पजवानी का भांडाफोड़ करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करने का प्लानिंग करता है। स्टिंग ऑपरेशन से ईवीएम मशीन की अदला बदली की खबर पुख्ता होती है। अगले दिन यह खबर मीडिया में छा जाती है। पजवानी अपना खेल बिगड़ते देख के मारन के मौजूद सबूत हासिल करने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे मोड़ देखने को मिलते हैं। एक दिन अचानक मारन के पास कॉल आता है कि श्वेता का अपहरण हो गया है और जिन लोगों ने मारन की बहन को किडनैप किया था वो लोग मारन को एक ऐसी जगह पर बुलाते हैं जो कि एक खाली बिल्डिंग होती है। फिर यहाँ पर फिर बताता है कि वे दोनों ही साथ में जब श्वेता का अपहरण हुआ था और उसी दिन ही वे पीछे से धक्का मार के गिरा दिया गया था, इसलिए वह अपहरणकर्ताओं को देख नहीं पाया। लेकिन उसे याद था कि अपहरणकर्ता नीला रंग की शर्ट में आए थे और कान में हीरिंग और एक पहन रखा था। मारन जानकारी पुलिस को देता है और खोजबीन के कुछ तार पूर्व मंत्री पजवानी से भी जुड़े रहते हैं। पजहानी से मिलने के बाद मारन को यकीन हो गया था कि श्वेता को उसने अगवा नहीं करवाया है। अगर श्वेता का कत्ल पजवानी ने करवाया होता तो उसे मालूम पड़ जाता आखिरकार किसने उसे मारा है या फिर उसकी किडनैप हुई है। वो इस मूवी के अंदर रहस्य छुपा होता है। नीले रंग की जो क्रिएटर की खोज मारन कर रहा होता है वो पार्थिबन यानी कि अमित तक ले जाती है। पार्थिबन और मारन के बीच में जमकर लड़ाई हुई और लहूलुहान पार्थिबन कहता है कि तुम मुझे मार भी डालोगे तब भी मैं बताऊंगा नहीं कि तुम्हारी बहन जिंदा है या नहीं, और जिंदा तो हो नहीं जाएंगी। इस जगह पर मारन पहली बार यह रहस्य उद्घाटन करता है और इसे मालूम है कि श्वेता मरी नहीं है। और यह बात इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लाश के हाथ के भीतर किसी मेटल प्लेट का जिक्र नहीं था। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, जो मारन की बहन थी उसके हाथ में मेटल प्लेट लगी थी, इसलिए मारन को यकीन हो गया था कि वह उसकी बहन नहीं है। अगर श्वेता जिंदा है तो कहाँ है? पार्थिबन श्वेता की मौत का नाटक क्यों कर रहा था? इन प्रश्नों के जवाब के लिए आपको कहानी फ्लैशबैक में जाती हुई नजर आएंगी। सूजा पार्थिबन की इकलौती बेटी होती है और उसकी और श्वेता की उम्र लगभग समान होती है। सूजा का मन मेडिकल के लिए पढ़ाई करने वाला था। इतनी महंगी पढ़ाई कराने के लिए पार्थिबन के पास रुपये नहीं थे। पजहानी के लोग पार्थिबन को ईवीएम मशीन गायब करने के बदले बहुत सारा पैसा देने वाले थे, लेकिन मारन की स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से ये खबर सूजा तक पहुंच गई और वह अपने पिता को बहुत अच्छा आदमी समझती थी। पिता के किए गलत कामों में सुधारने के लिए ईवीएम मशीन पुलिस के हवाले कर देती है। पार्थिबन समझ जाता है कि अब वो शहर में रहना सेफ नहीं है। वह सूजा के सामने सामान बांधने के लिए जाता है और ज़रूरी काम से बाहर चला जाता है। फिर इस मूवी के अंदर आपको और भी ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलता है। फिर वापस आने के बाद पार्थिबन को सूजा आग की लपड़ों में गिरी हुई मिली। फिल्म में दिखाया नहीं गया है कि लेकिन स्पष्ट ही जाए तो जो पजवान के लोगों है उन्होंने सूजा को जिंदा चला दिया था। पार्थिबन इस त्रासदी के लिए मारने को जिम्मेदार समझता है क्योंकि स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से उसकी सारी चीज़ें बगड़ी थी और इसी का बदला लेने के लिए वो जो हीरो था उसकी बहन को किडनैप करता है। तो यही इस मूवी की कहानी है। पार्थिबन मारने दरअसल वो जो लड़का है पार्थिबन वो मारन को यह एहसास दिलाना चाहता था कि जिंदगी में बहन की कितनी वैल्यू होती है और अपना कोई दूर होता है तो कितना दुख होता है, इसलिए उसने सब कुछ किया था। फिर वो वापस लास्ट में जो है वो मारन की बहन को लौटा देता है और बता देता है कि तेरी बहन यहाँ पर है, चल ले। वहीं पर मूवी ख़त्म होती है।
आज हम एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है मारन। और अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी है, साथ ही में इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने वाला हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मारन मूवी को 2022 में रिलीज किया गया था। यह मूवी तमिल भाषा में डिज्नी प्लस सॉफ्टवेयर पर रिलीज हुई थी। इस मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी क्योंकि जो IMDB है वहां पर 10 out of 4.4 की रेटिंग मिली थी और जो गूगल यूजर है वहां पर भी 17% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ था। मूवी की कहानी इतनी खास नहीं है, एक बार इस मूवी को देखा जा सकता है। बाकी इस मूवी का जो डायरेक्टर था उसने काफ़ी सारी मूवीज पहले बनाई हुई है पर यह मूवी इतनी खास मुझे नहीं लगी। खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना खुद का ओपिनियन दे सकते हैं। हाँ इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है जीवी प्रकाश कुमार का, जो काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करें इस मूवी की मैन कास्ट के बारे में तो एक्टर धनुष, स्मृति वेंकट, मालविका मोहनन, आमिर सुल्तान, महेंद्रन, सम्मोदकर्णी, कृष्णा कुमार, राम की, जया प्रकाश, जीवा रवि, ऐसे यहाँ पर और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के अंदर जो हीरो है उन्हीं का नाम मारन रहता है। चलिए बात करते हैं इस मूवी की हिंदी वर्जन के बारे में कि यह मूवी कहाँ पे हिंदी में उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ यह मूवी अभी हिंदी में ऑफिशियल रिलीज़ नहीं हुई है, पर जो इसका अनऑफिशियल डब वर्जन है वो आपको काफ़ी जगह पर मिल जाएगा। जो अनऑफिशियल सोर्स है वहाँ से आप देख सकते हैं अगर हिंदी में देखना है। बाकी अगर आप इसे ऑफिशियल हिंदी में देखना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इस मूवी के डबिंग राइट्स को गोल्डमैन ने बाय किया हुआ है और वो लोग इस मूवी को बहुत जल्दी ही टीवी पर रिलीज़ करवा देंगे। फिर ये यूट्यूब पर भी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी। अगर हम लोग इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में थोड़ी बात करें तो शुरुआत में हमें देखने को मिलता है सत्यमूर्ति यानी कि जो राम की है वो एक आदर्शवादी और ईमानदार खोजी पत्रकार होते हैं और एक रसूखदार व्यक्ति है। स्कूल में संबंधित घोटाले को सामने लाने की वजह से उनकी हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले वे अपने बेटे मारन को ईमानदार होने के साथ ही सामर्थ्यवान बनने की शिक्षा दी जाते हैं जिससे कि वे पत्रियता के वसूलों के साथ अपने प्रियजनों की रक्षा भी कर सके। जिस दिन पिता की हत्या हुई होती है उस दिन मारन को उसकी माँ की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है, मतलब कि अब जो है वो मारन अकेला है और वह उसकी नवजात बहन और उसके दूसरे परिवार के साथ रहता है। मारन अकेले अपनी बहन श्वेता को पालता है, पोसता है, वो खुद भी पढ़ता है और अपनी बहन को भी पढ़ाता है। बचपन में एक बार गिरने की वजह से श्वेता के हाथ में चोट लग गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए हाथ में मेटल की प्लेट डाल दी थी। बड़े होकर मारन यानी कि जो धनुष है वो अपने पिता की तरह ही द न्यूज़ नाम से मीडिया हाउस में पत्रकारी नौकरी करने लगता है। समय के साथ एक उभरता हुआ वो खोजी पत्रकार के रूप में उसे प्रसिद्धि मिल जाती है। प्रसिद्धि के कारण जो मारन है उनकी जिंदगी तारा यानी कि मालविका मोहन के रूप में प्रेम भी आ जाता है। वे दोनों ऑफिस में साथ में काम करते थे। पुलिस ऑफिसर अर्जुन यानी कि कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम मारन के स्कूल के दिनों से ही पुराना दोस्त होता है। अर्जुन उसे पूर्व मंत्री पजहानी यानी कि समुदकरण के बारे में बताता है। पजहानी यानी कि वी की पजवानी जो होता है वो EVM मशीन की अदला बदली कर उपजानू जीतने के लिए योजना बनाता है। अर्जुन मारन को पजवानी का भांडाफोड़ करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करने का प्लानिंग करता है। स्टिंग ऑपरेशन से EVM मशीन की अदला बदली की खबर पुख्ता होती है। अगले दिन यह खबर मीडिया में छा जाती है। पजवानी अपना खेल बिगड़ते देख के मारन के मौजूद सबूत हासिल करने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे मोड़ देखने को मिलते हैं। एक दिन अचानक मारन के पास कॉल आता है कि श्वेता का अपहरण हो गया है और जिन लोगों ने मारन की बहन को किडनैप किया था वो लोग मारन को एक ऐसी जगह पर बुलाते हैं जो कि एक खाली बिल्डिंग होती है। फिर यहाँ पर फिर बताता है कि वे दोनों ही साथ में जब श्वेता का अपहरण हुआ था और उसी दिन ही वे पीछे से धक्का मार के गिरा दिया गया था, इसलिए वह अपहरणकर्ताओं को देख नहीं पाया। लेकिन उसे याद था कि अपहरणकर्ता नीला रंग की शर्ट में आए थे और कान में हीरिंग और एक पहन रखा था।
महाराणा ये जानकारी पुलिस को देता है और खोजबीन के कुछ तार पूर्व मंत्री पजवानी से भी जुड़े रहते हैं। पजहानी से मिलने के बाद मारन को यकीन हो गया था कि श्वेता को उसने अगवा नहीं करवाया है। अगर श्वेता का कत्ल पजवानी ने करवाया होता तो उसे मालूम पड़ जाता आखिरकार किसने उसे मारा है या फिर उसकी किडनैप हुई है। वो इस मूवी के अंदर रहस्य छुपा होता है। नीले रंग की जो क्रिएटर की खोज मारन कर रहा होता है वो पार्थिबन यानी कि अमित तक ले जाती है। पार्थिबन और मारन के बीच में जमकर लड़ाई हुई और लहूलुहान पार्थिबन कहता है कि तुम मुझे मार भी डालोगे तब भी मैं बताऊंगा नहीं कि तुम्हारी बहन जिंदा है या नहीं, और जिंदा तो हो नहीं जाएंगी। इस जगह पर मारन पहली बार यह रहस्य उद्घाटन करता है और इसे मालूम है कि श्वेता मरी नहीं है। और यह बात इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लाश के हाथ के भीतर किसी मेटल प्लेट का जिक्र नहीं था। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, जो मारन की बहन थी उसके हाथ में मेटल प्लेट लगी थी, इसलिए मारन को यकीन हो गया था कि वह उसकी बहन नहीं है। अगर श्वेता जिंदा है तो कहाँ है? पार्थिबन श्वेता की मौत का नाटक क्यों कर रहा था? इन प्रश्नों के जवाब के लिए आपको कहानी फ्लैशबैक में जाती हुई नजर आएंगी। सुजा पार्थिबन की इकलौती बेटी होती है और उसकी और श्वेता की उम्र लगभग समान होती है। सुजा का मन मेडिकल के लिए पढ़ाई करने वाला था। इतनी महंगी पढ़ाई कराने के लिए पार्थिबन के पास रुपये नहीं थे। पजहानी के लोग पार्थिबन को EVM मशीन गायब करने के बदले बहुत सारा पैसा देने वाले थे, लेकिन मारन की स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से ये खबर सुजा तक पहुंच गई और वह अपने पिता को बहुत अच्छा आदमी समझती थी। पिता के किए गलत कामों में सुधारने के लिए EVM मशीन पुलिस के हवाले कर देती है। पार्थिबन समझ जाता है कि अब वो शहर में रहना सेफ नहीं है। वह सुजा के सामने सामान बांधने के लिए जाता है और ज़रूरी काम से बाहर चला जाता है। फिर इस मूवी के अंदर आपको और भी ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलता है। फिर वापस आने के बाद पार्थिबन को सुजा आग की लपड़ों में गिरी हुई मिली। फिल्म में दिखाया नहीं गया है कि लेकिन स्पष्ट ही जाए तो जो पजवान के लोगों है उन्होंने सुजा को जिंदा चला दिया था। पार्थिबन इस त्रासदी के लिए मारने को जिम्मेदार समझता है क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन की वजह से उसकी सारी चीज़ें बगड़ी थी, और इसी का बदला लेने के लिए वो जो हीरो था उसकी बहन को किडनैप करता है। तो यही इस मूवी की कहानी है। पार्थिबन मारने दरअसल वो जो लड़का है पार्थिबन, वो मारन को यह एहसास दिलाना चाहता था कि ज़िंदगी में बहन की कितनी वैल्यू होती है और अपना कोई दूर होता है तो कितना दुख होता है, इसलिए उसने सब कुछ किया था। फिर वो वापस लास्ट में जो है वो मारन की बहन को लौटा देता है और बता देता है कि तेरी बहन यहाँ पर है, चल ले। वहीं पर मूवी ख़त्म होती है। हाजम एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मारन। और अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी है, साथ ही में इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने वाला हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मारन मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी तमिल भाषा में डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर रिलीज हुई थी। इस मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 4.4 की रेटिंग मिली थी, और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी 17% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ था। मूवी की कहानी इतनी खास नहीं है, एक बार इस मूवी को देखा जा सकता है। बाकी इस मूवी का जो डायरेक्टर था उसने काफ़ी सारी मूवीज़ पहले बनाई हुई है, पर यह मूवी इतनी खास मुझे नहीं लगी। खैर, सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है। आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना खुद का ओपिनियन दे सकते हैं। हाँ, इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है GV प्रकाश कुमार का, जो काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करें इस मूवी की मैन कास्ट के बारे में तो एक्टर धनुष, स्मृति वेंकट, मालविका मोहनन, आमिर सुल्तान, महेंद्रन, सम्मोदकर्णी, कृष्णा कुमार, राम की, जया प्रकाश, जीवा रवि, ऐसे यहाँ पर और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के अंदर जो हीरो है उन्हीं का नाम मारन रहता है। चलिए बात करते हैं इस मूवी की हिंदी वर्जन के बारे में कि यह मूवी कहाँ पे हिंदी में उपलब्ध है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ यह मूवी अभी हिंदी में ऑफिशियल रिलीज़ नहीं हुई है, पर जो इसका अनऑफिशियल डब वर्जन है वो आपको काफ़ी जगह पर मिल जाएगा। जो अनऑफिशियल सोर्स है वहाँ से आप देख सकते हैं अगर हिंदी में देखना है। बाकी अगर आप इसे ऑफिशियल हिंदी में देखना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इस मूवी के डबिंग राइट्स को गोल्डमैन ने बाय किया हुआ है और वो लोग इस मूवी को बहुत जल्दी ही TV पर रिलीज़ करवा देंगे।
फिर ये यूट्यूब पर भी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी। अगर हम लोग इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में थोड़ी बात करें तो शुरुआत में हमें देखने को मिलता है सत्यमूर्ति यानी कि जो राम की है वो एक आदर्शवादी और ईमानदार खोजी पत्रकार होते हैं और एक रसूखदार व्यक्ति है। स्कूल में संबंधित घोटाले को सामने लाने की वजह से उनकी हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले वे अपने बेटे मारन को ईमानदार होने के साथ ही सामर्थ्यवान बनने की शिक्षा दी जाते हैं जिससे कि वे पत्रकारिता के वसूलों के साथ अपने प्रियजनों की रक्षा भी कर सके। जिस दिन पिता की हत्या हुई होती है उस दिन मारन को उसकी माँ की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है, मतलब कि अब जो है वो मारन अकेला है और वह उसकी नवजात बहन और उसके दूसरे परिवार के साथ रहता है। मारन अकेले अपनी बहन श्वेता को पालता है, पोसता है, वो खुद भी पढ़ता है और अपनी बहन को भी पढ़ाता है। बचपन में एक बार गिरने की वजह से श्वेता के हाथ में चोट लग गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए हाथ में मेटल की प्लेट डाल दी थी। बड़े होकर मारन यानी कि जो धनुष है वो अपने पिता की तरह ही द न्यूज नाम से मीडिया हाउस में पत्रकारी नौकरी करने लगता है। समय के साथ एक उभरता हुआ वो खोजी पत्रकार के रूप में उसे प्रसिद्धि मिल जाती है। प्रसिद्धि के कारण जो मारन है उनकी जिंदगी तारा यानी कि मालविका मोहन के रूप में प्रेम भी आ जाता है। वे दोनों ऑफिस में साथ में काम करते थे। पुलिस ऑफिसर अर्जुन यानी कि कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम मारन के स्कूल के दिनों से ही पुराना दोस्त होता है। अर्जुन उसे पूर्व मंत्री पजहानी यानी कि समुद्रकरण के बारे में बताता है। पजहानी यानी कि वी की पजवानी जो होता है वो ईवीएम मशीन की अदला बदली कर उपजाऊ जीतने के लिए योजना बनाता है। अर्जुन मारन को पजवानी का भांडाफोड़ करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करने का प्लानिंग करता है। स्टिंग ऑपरेशन से ईवीएम मशीन की अदला बदली की खबर पुख्ता होती है। अगले दिन यह खबर मीडिया में छा जाती है। पजवानी अपना खेल बिगड़ते देख के मारन के मौजूद सबूत हासिल करने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे मोड़ देखने को मिलते हैं। एक दिन अचानक मारन के पास कॉल आता है कि श्वेता का अपहरण हो गया है और जिन लोगों ने मारन की बहन को किडनैप किया था वो लोग मारन को एक ऐसी जगह पर बुलाते हैं जो कि एक खाली बिल्डिंग होती है। फिर यहाँ पर फिर बताता है कि वे दोनों ही साथ में जब श्वेता का अपहरण हुआ था और उसी दिन ही वे पीछे से धक्का मार के गिरा दिया गया था, इसलिए वह अपहरणकर्ताओं को देख नहीं पाया। लेकिन उसे याद था कि अपहरणकर्ता नीला रंग की शर्ट में आए थे और कान में हीरिंग और एक पहन रखा था। मारन इस जानकारी पुलिस को देता है और खोजबीन के कुछ तार पूर्व मंत्री पजवानी से भी जुड़े रहते हैं। पजहानी से मिलने के बाद मारन को यकीन हो गया था कि श्वेता को उसने अगवा नहीं करवाया है। अगर श्वेता का कत्ल पजवानी ने करवाया होता तो उसे मालूम पड़ जाता आखिरकार किसने उसे मारा है या फिर उसकी किडनैप हुई है। वो इस मूवी के अंदर रहस्य छुपा होता है। नीले रंग की जो क्रिएटर की खोज मारन कर रहा होता है वो पार्थिबन यानी कि अमित तक ले जाती है। पार्थिबन और मारन के बीच में जमकर लड़ाई हुई और लहूलुहान पार्थिबन कहता है कि तुम मुझे मार भी डालोगे तब भी मैं बताऊंगा नहीं कि तुम्हारी बहन जिंदा है या नहीं, और जिंदा तो हो नहीं जाएंगी। इस जगह पर मारन पहली बार यह रहस्य उद्घाटन करता है और इसे मालूम है कि श्वेता मरी नहीं है और यह बात इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लाश के हाथ के भीतर किसी मेटल प्लेट का जिक्र नहीं था। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया जो मारन की बहन थी उसके हाथ में मेटल प्लेट लगी थी, इसलिए मारन को यकीन हो गया था कि वह उसकी बहन नहीं है। अगर श्वेता जिंदा है तो कहाँ है, पार्थिबन श्वेता की मौत का नाटक क्यों कर रहा था। इन प्रश्नों के जवाब के लिए आपको कहानी फ्लैशबैक में जाती हुई नजर आएंगी। सूजा पार्थिबन की इकलौती बेटी होती है और उसकी और श्वेता की उम्र लगभग समान होती है। सूजा का मन मेडिकल के लिए पढ़ाई करने वाला था। इतनी महंगी पढ़ाई कराने के लिए पार्थिबन के पास रुपये नहीं थे। पजहानी के लोग पार्थिबन को ईवीएम मशीन गायब करने के बदले बहुत सारा पैसा देने वाले थे, लेकिन मारन की स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से ये खबर सूजा तक पहुंच गई और वह अपने पिता को बहुत अच्छा आदमी समझती थी। पिता के किए गलत कामों में सुधारने के लिए ईवीएम मशीन पुलिस के हवाले कर देती है। पार्थिबन समझ जाता है कि अब वो शहर में रहना सेफ नहीं है। वह सूजा के सामने सामान बांधने के लिए जाता है और ज़रूरी काम से बाहर चला जाता है। फिर इस मूवी के अंदर आपको और भी ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलता है। फिर वापस आने के बाद पार्थिबन को सूजा
आग के लपड़ों में घिरी हुई मिली। फिल्म में दिखाया नहीं गया है कि लेकिन स्पष्ट ही जाए तो जो पजवान के लोगों है उन्होंने सुधा को जिंदा चला दिया था। पार्थिबन इस त्रासदी के लिए मारने को जिम्मेदार समझता है क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन की वजह से उसकी सारी चीज़ें बगड़ी थी और इसी का बदला लेने के लिए वो जो हीरो था उसकी बहन को किडनैप करता है। तो यही इस मूवी की कहानी है, पार्थिबन मारने। दरअसल वो जो लड़का है पार्थिबन, वो मारन को यह एहसास दिलाना चाहता था कि ज़िंदगी में बहन की कितनी वैल्यू होती है और अपना कोई दूर होता है तो कितना दुख होता है, इसलिए उसने सब कुछ किया था। फिर वो वापस लास्ट में जो है वो मारन की बहन को लौटा देता है और बता देता है कि तेरी बहन यहाँ पर है, चल ले। वहीं पर मूवी ख़त्म होती है। हाजम एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मारन। और अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी है, साथ ही में इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने वाला हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मारन मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी तमिल भाषा में डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर रिलीज हुई थी। इस मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 4.4 की रेटिंग मिली थी और जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी 17% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ था। मूवी की कहानी इतनी खास नहीं है, एक बार इस मूवी को देखा जा सकता है। बाकी इस मूवी का जो डायरेक्टर था उसने काफ़ी सारी मूवीज़ पहले बनाई हुई है पर यह मूवी इतनी खास मुझे नहीं लगी। खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना खुद का ओपिनियन दे सकते हैं। हाँ इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है जीवी प्रकाश कुमार का जो काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करें इस मूवी की मैन कास्ट के बारे में तो एक्टर धनुष, स्मृति वेंकट, मालविका मोहनन, आमिर सुल्तान, महेंद्रन, सम्मोदकर्णी, कृष्णा कुमार, राम की, जया प्रकाश, जीवा रवि, ऐसे यहाँ पर और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के अंदर जो हीरो है उन्हीं का नाम मारन रहता है। चलिए बात करते हैं इस मूवी की हिंदी वर्जन के बारे में कि यह मूवी कहाँ पे हिंदी में उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ यह मूवी अभी हिंदी में ऑफिशियल रिलीज़ नहीं हुई है पर जो इसका अनऑफिशियल डब वर्जन है वो आपको काफ़ी जगह पर मिल जाएगा। जो अनऑफिशियल सोर्स है वहाँ से आप देख सकते हैं अगर हिंदी में देखना है। बाकी अगर आप इसे ऑफिशियल हिंदी में देखना चाहते हैं थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इस मूवी के डबिंग राइट्स को गोल्डमैन ने बाय किया हुआ है और वो लोग इस मूवी को बहुत जल्दी ही टीवी पर रिलीज़ करवा देंगे। फिर ये यूट्यूब पर भी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी। अगर हम लोग इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में थोड़ी बात करें तो शुरुआत में हमें देखने को मिलता है सत्यमूर्ति यानी कि जो राम की है वो एक आदर्शवादी और ईमानदार खोजी पत्रकार होते हैं और एक रसूखदार व्यक्ति है। स्कूल में संबंधित घोटाले को सामने लाने की वजह से उनकी हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले वे अपने बेटे मारन को ईमानदार होने के साथ ही सामर्थ्यवान बनने की शिक्षा दी जाते हैं जिससे कि वे पत्रीयता के वसूलों के साथ अपने प्रियजनों की रक्षा भी कर सके। जिस दिन पिता की हत्या हुई होती है उस दिन मारन को उसकी माँ की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है, मतलब कि अब जो है वो मारन अकेला है और वह उसकी नवजात बहन और उसके दूसरे परिवार के साथ रहता है। मारन अकेले अपनी बहन श्वेता को पालता है, पोसता है, वो खुद भी पढ़ता है और अपनी बहन को भी पढ़ाता है। बचपन में एक बार गिरने की वजह से श्वेता के हाथ में चोट लग गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए हाथ में मेटल की प्लेट डाल दी थी। बड़े होकर मारन यानी कि जो धनुष है वो अपने पिता की तरह ही द न्यूज़ नाम से मीडिया हाउस में पत्रकारी नौकरी करने लगता है। समय के साथ एक उभरता हुआ वो खोजी पत्रकार के रूप में उसे प्रसिद्धि मिल जाती है। प्रसिद्धि के कारण जो मारन है उनकी जिंदगी तारा यानी कि मालविका मोहन के रूप में प्रेम भी आ जाता है। वे दोनों ऑफिस में साथ में काम करते थे। पुलिस ऑफिसर अर्जुन यानी कि कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम मारन के स्कूल के दिनों से ही पुराना दोस्त होता है। अर्जुन उसे पूर्व मंत्री पजहानी यानी कि समुदकरण के बारे में बताता है। पजहानी यानी कि वी की पजवानी जो होता है वो EVM मशीन की अदला बदली कर उपजानू जीतने के लिए योजना बनाता है। अर्जुन मारन को पजवानी का भांडाफोड़ करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करने का प्लानिंग करता है। स्टिंग ऑपरेशन से EVM
मसीन की अदला बदली की खबर पुख्ता होती है। अगले दिन यह खबर मीडिया में छा जाती है। पजवानी अपना खेल बिगड़ते देख के मारन के मौजूद सबूत हासिल करने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे मोड़ देखने को मिलते हैं। एक दिन अचानक मारन के पास कॉल आता है कि श्वेता का अपहरण हो गया है और जिन लोगों ने मारन की बहन को किडनैप किया था वो लोग मारन को एक ऐसी जगह पर बुलाते हैं जो कि एक खाली बिल्डिंग होती है। फिर यहाँ पर फिर बताता है कि वे दोनों ही साथ में जब श्वेता का अपहरण हुआ था और उसी दिन ही वे पीछे से धक्का मार के गिरा दिया गया था, इसलिए वह अपहरणकर्ताओं को देख नहीं पाया। लेकिन उसे याद था कि अपहरणकर्ता नीला रंग की शर्ट में आए थे और कान में हीरिंग और एक पहन रखा था। मारन इस जानकारी पुलिस को देता है और खोजबीन के कुछ तार पूर्व मंत्री पजवानी से भी जुड़े रहते हैं। पजहानी से मिलने के बाद मारन को यकीन हो गया था कि श्वेता को उसने अगवा नहीं करवाया है। अगर श्वेता का कत्ल पजवानी ने करवाया होता तो उसे मालूम पड़ जाता आखिरकार किसने उसे मारा है या फिर उसकी किडनैप हुई है। वो इस मूवी के अंदर रहस्य छुपा होता है। नीले रंग की जो क्रिएटर की खोज मारन कर रहा होता है वो पार्थिबन यानी कि अमित तक ले जाती है। पार्थिबन और मारन के बीच में जमकर लड़ाई हुई और लहूलुहान पार्थिबन कहता है कि तुम मुझे मार भी डालोगे तब भी मैं बताऊंगा नहीं कि तुम्हारी बहन जिंदा है या नहीं, और जिंदा तो हो नहीं जाएंगी। इस जगह पर मारन पहली बार यह रहस्य उद्घाटन करता है और इसे मालूम है कि श्वेता मरी नहीं है और यह बात इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लाश के हाथ के भीतर किसी मेटल प्लेट का जिक्र नहीं था। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया जो मारन की बहन थी उसके हाथ में मेटल प्लेट लगी थी, इसलिए मारन को यकीन हो गया था कि वह उसकी बहन नहीं है। अगर श्वेता जिंदा है तो कहाँ है, पार्थिबन श्वेता की मौत का नाटक क्यों कर रहा था। इन प्रश्नों के जवाब के लिए आपको कहानी फ्लैशबैक में जाती हुई नजर आएंगी। सूजा पार्थिबन की इकलौती बेटी होती है और उसकी और श्वेता की उम्र लगभग समान होती है। सूजा का मन मेडिकल के लिए पढ़ाई करने वाला था। इतनी महंगी पढ़ाई कराने के लिए पार्थिबन के पास रुपये नहीं थे। पजहानी के लोग पार्थिबन को EVM मशीन गायब करने के बदले बहुत सारा पैसा देने वाले थे, लेकिन मारन की स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से ये खबर सूजा तक पहुँच गई और वह अपने पिता को बहुत अच्छा आदमी समझती थी। पिता के किए गलत कामों में सुधारने के लिए EVM मशीन पुलिस के हवाले कर देती है। पार्थिबन समझ जाता है कि अब वो शहर में रहना सेफ नहीं है। वह सुजा के सामने सामान बांधने के लिए जाता है और ज़रूरी काम से बाहर चला जाता है। फिर इस मूवी के अंदर आपको और भी ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलता है। फिर वापस आने के बाद पार्थिबन को सुजा आग की लपड़ों में गिरी हुई मिली। फिल्म में दिखाया नहीं गया है कि लेकिन स्पष्ट ही जाए तो जो पजवान के लोगों है उन्होंने सुजा को जिंदा चला दिया था। पार्थिबन इस त्रासदी के लिए मारने को जिम्मेदार समझता है क्योंकि स्टीयरिंग ऑपरेशन की वजह से उसकी सारी चीज़ें बगड़ी थी और इसी का बदला लेने के लिए वो जो हीरो था उसकी बहन को किडनैप करता है। तो यही इस मूवी की कहानी है। पार्थिबन मारने दरअसल वो जो लड़का है पार्थिबन वो मारन को यह एहसास दिलाना चाहता था कि ज़िंदगी में बहन की कितनी वैल्यू होती है और अपना कोई दूर होता है तो कितना दुख होता है, इसलिए उसने सब कुछ किया था। फिर वो वापस लास्ट में जो है वो मारन की बहन को लौटा देता है और बता देता है कि तेरी बहन यहाँ पर है, चल ले। वहीं पर मूवी ख़त्म होती है। हाजम एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मारन। और अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी है, साथ ही में इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने वाला हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मारन मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी तमिल भाषा में डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर रिलीज हुई थी। इस मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी क्योंकि जो IMDB है वहां पर 10 out of 4.4 की रेटिंग मिली थी और जो गूगल यूजर है वहां पर भी 17% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ था। मूवी की कहानी इतनी खास नहीं है, एक बार इस मूवी को देखा जा सकता है। बाकी इस मूवी का जो डायरेक्टर था उसने काफ़ी सारी मूवीज़ पहले बनाई हुई है पर यह मूवी इतनी खास मुझे नहीं लगी। खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना खुद का ओपिनियन दे सकते हैं। हाँ इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है GV प्रकाश कुमार का जो काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करें इस मूवी की मैन कास्ट के बारे में तो एक्टर धनुष, स्मृति वेंकट, मालविका मोहनन,
अमर सुल्तान, महेंद्रन, समुद्रकर्णी, कृष्णा कुमार, राम की, जया प्रकाश, जीवा रवि, ऐसे यहाँ पर और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के अंदर जो हीरो है उन्हीं का नाम मारन रहता है। चलिए बात करते हैं इस मूवी की हिंदी वर्जन के बारे में कि यह मूवी कहाँ पे हिंदी में उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, यह मूवी अभी हिंदी में ऑफिशियल रिलीज़ नहीं हुई है, पर जो इसका अनऑफिशियल डब वर्जन है वो आपको काफ़ी जगह पर मिल जाएगा। जो अनऑफिशियल सोर्स है वहाँ से आप देख सकते हैं अगर हिंदी में देखना है। बाकी अगर आप इसे ऑफिशियल हिंदी में देखना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस मूवी के डबिंग राइट्स को गोल्डमैन ने बाय किया हुआ है और वो लोग इस मूवी को बहुत जल्दी ही टीवी पर रिलीज़ करवा देंगे। फिर ये यूट्यूब पर भी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी। अगर हम लोग इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में थोड़ी बात करें तो शुरुआत में हमें देखने को मिलता है सत्यमूर्ति यानी कि जो राम की है वो एक आदर्शवादी और ईमानदार खोजी पत्रकार होते हैं और एक रसूखदार व्यक्ति है। स्कूल में संबंधित घोटाले को सामने लाने की वजह से उनकी हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले वे अपने बेटे मारन को ईमानदार होने के साथ ही सामर्थ्यवान बनने की शिक्षा दी जाते हैं, जिससे कि वे पत्रियता के वसूलों के साथ अपने प्रियजनों की रक्षा भी कर सके। जिस दिन पिता की हत्या हुई होती है उस दिन मारन को उसकी माँ की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है, मतलब कि अब जो है वो मारन अकेला है और वह उसकी नवजात बहन और उसके दूसरे परिवार के साथ रहता है। मारन अकेले अपनी बहन श्वेता को पालता है, पोसता है, वो खुद भी पढ़ता है और अपनी बहन को भी पढ़ाता है। बचपन में एक बार गिरने की वजह से श्वेता के हाथ में चोट लग गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए हाथ में मेटल की प्लेट डाल दी थी। बड़े होकर मारन यानी कि जो धनुष है वो अपने पिता की तरह ही द न्यूज़ नाम से मीडिया हाउस में पत्रकारी नौकरी करने लगता है। समय के साथ एक उभरता हुआ वो खोजी पत्रकार के रूप में उसे प्रसिद्धि मिल जाती है। प्रसिद्धि के कारण जो मारन है उनकी जिंदगी तारा यानी कि मालविका मोहन के रूप में प्रेम भी आ जाता है। वे दोनों ऑफिस में साथ में काम करते थे। पुलिस ऑफिसर अर्जुन यानी कि कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम मारन के स्कूल के दिनों से ही पुराना दोस्त होता है। अर्जुन उसे पूर्व मंत्री पजहानी यानी कि समुद्रकरण के बारे में बताता है। पजहानी यानी कि वी की पजवानी जो होता है वो ईवीएम मशीन की अदला बदली कर उपजाऊ जीतने के लिए योजना बनाता है। अर्जुन मारन को पजवानी का भांडाफोड़ करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करने का प्लानिंग करता है। स्टिंग ऑपरेशन से ईवीएम मशीन की अदला बदली की खबर पुख्ता होती है। अगले दिन यह खबर मीडिया में छा जाती है। पजवानी अपना खेल बिगड़ते देख के मारन के मौजूद सबूत हासिल करने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे मोड़ देखने को मिलते हैं। एक दिन अचानक मारन के पास कॉल आता है कि श्वेता का अपहरण हो गया है और जिन लोगों ने मारन की बहन को किडनैप किया था वो लोग मारन को एक ऐसी जगह पर बुलाते हैं जो कि एक खाली बिल्डिंग होती है। फिर यहाँ पर फिर बताता है कि वे दोनों ही साथ में जब श्वेता का अपहरण हुआ था और उसी दिन ही वे पीछे से धक्का मार के गिरा दिया गया था, इसलिए वह अपहरणकर्ताओं को देख नहीं पाया। लेकिन उसे याद था कि अपहरणकर्ता नीला रंग की शर्ट में आए थे और कान में हीरिंग और एक पहन रखा था। मारन इस जानकारी पुलिस को देता है और खोजबीन के कुछ तार पूर्व मंत्री पजवानी से भी जुड़े रहते हैं। पजहानी से मिलने के बाद मारन को यकीन हो गया था कि श्वेता को उसने अगवा नहीं करवाया है। अगर श्वेता का कत्ल पजवानी ने करवाया होता तो उसे मालूम पड़ जाता आखिरकार किसने उसे मारा है या फिर उसकी किडनैप हुई है। वो इस मूवी के अंदर रहस्य छुपा होता है। नीले रंग की जो क्रिएटर की खोज मारन कर रहा होता है वो पार्थिबन यानी कि अमित तक ले जाती है। पार्थिबन और मारन के बीच में जमकर लड़ाई हुई और लहूलुहान पार्थिबन कहता है कि तुम मुझे मार भी डालोगे तब भी मैं बताऊंगा नहीं कि तुम्हारी बहन जिंदा है या नहीं, और जिंदा तो हो नहीं जाएंगी। इस जगह पर मारन पहली बार यह रहस्य उद्घाटन करता है और इसे मालूम है कि श्वेता मरी नहीं है और यह बात इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लाश के हाथ के भीतर किसी मेटल प्लेट का जिक्र नहीं था। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया जो मारन की बहन थी उसके हाथ में मेटल प्लेट लगी थी, इसलिए मारन को यकीन हो गया था कि वह उसकी बहन नहीं है। अगर श्वेता जिंदा है तो कहाँ है, पार्थिबन श्वेता की मौत का नाटक क्यों कर रहा था। इन प्रश्नों के जवाब के लिए आपको कहानी फ्लैशबैक में जाती हुई नजर आएंगी।
सुजा पार्थिबन की इकलौती बेटी होती है और उसकी और श्वेता की उम्र लगभग समान होती है। सुजा का मन मेडिकल के लिए पढ़ाई करने वाला था। इतनी महंगी पढ़ाई कराने के लिए पार्थिबन के पास रुपये नहीं थे। पझानी के लोग पार्थिबन को ईवीएम मशीन गायब करने के बदले बहुत सारा पैसा देने वाले थे, लेकिन मारन की स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से ये खबर सुजा तक पहुंच गई और वह अपने पिता को बहुत अच्छा आदमी समझती थी। पिता के किए गलत कामों में सुधारने के लिए ईवीएम मशीन पुलिस के हवाले कर देती है। पार्थिबन समझ जाता है कि अब वो शहर में रहना सेफ नहीं है। वह सुजा के सामने सामान बांधने के लिए जाता है और ज़रूरी काम से बाहर चला जाता है। फिर इस मूवी के अंदर आपको और भी ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलता है। फिर वापस आने के बाद पार्थिबन को सुजा आग की लपड़ों में गिरी हुई मिली। फिल्म में दिखाया नहीं गया है कि लेकिन स्पष्ट ही जाए तो जो पजवान के लोगों है उन्होंने सुजा को जिंदा चला दिया था। पार्थिबन इस त्रासदी के लिए मारने को जिम्मेदार समझता है क्योंकि स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से उसकी सारी चीज़ें बगड़ी थी और इसी का बदला लेने के लिए वो जो हीरो था उसकी बहन को किडनैप करता है। तो यही इस मूवी की कहानी है। पार्थिबन मारने दरअसल वो जो लड़का है पार्थिबन वो मारन को यह एहसास दिलाना चाहता था कि ज़िंदगी में बहन की कितनी वैल्यू होती है और अपना कोई दूर होता है तो कितना दुख होता है, इसलिए उसने सब कुछ किया था। फिर वो वापस लास्ट में जो है वो मारन की बहन को लौटा देता है और बता देता है कि तेरी बहन यहाँ पर है, चल ले। वहीं पर मूवी ख़त्म होती है। हाजम एक और कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मारन। और अगर आप लोग भी दोस्तों इस मूवी को देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो सही जगह पर आ चुके हो। मैं आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेंगी, क्या इस मूवी की कहानी है, साथ ही में इस मूवी के बारे में कुछ फैक्ट भी बताने वाला हूँ। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मारन मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था। यह मूवी तमिल भाषा में डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर रिलीज हुई थी। इस मूवी की रेटिंग कुछ खास नहीं थी क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 4.4 की रेटिंग मिली थी और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी 17% लोगों ने इस मूवी को लाइक दिया हुआ था। मूवी की कहानी इतनी खास नहीं है, एक बार इस मूवी को देखा जा सकता है। बाकी इस मूवी का जो डायरेक्टर था उसने काफ़ी सारी मूवीज़ पहले बनाई हुई है पर यह मूवी इतनी खास मुझे नहीं लगी। खैर सभी लोगों की पसंद अलग अलग होती है, आप इस मूवी को देख सकते हैं और अपना खुद का ओपिनियन दे सकते हैं। हाँ इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक देखने को मिल जाता है जीवी प्रकाश कुमार का जो काफ़ी बढ़िया है। अगर बात करें इस मूवी की मैन कास्ट के बारे में तो एक्टर धनुष, स्मृति वेंकट, मालविका मोहनन, अमीर सुल्तान, महेंद्रन, सम्मोद करणी, कृष्णा कुमार, राम की, जया प्रकाश, जीवा रवि, ऐसे यहाँ पर और भी बहुत सारे किरदार इस मूवी में देखने को मिलते हैं। इस मूवी के अंदर जो हीरो है उन्हीं का नाम मारन रहता है। चलिए बात करते हैं इस मूवी की हिंदी वर्जन के बारे में कि यह मूवी कहाँ पे हिंदी में उपलब्ध है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ यह मूवी अभी हिंदी में ऑफिशियल रिलीज़ नहीं हुई है, पर जो इसका अनऑफिशियल डब वर्जन है वो आपको काफ़ी जगह पर मिल जाएगा। जो अनऑफिशियल सोर्स है वहाँ से आप देख सकते हैं अगर हिंदी में देखना है। बाकी अगर आप इसे ऑफिशियल हिंदी में देखना चाहते हैं थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इस मूवी के डबिंग राइट्स को गोल्डमैन ने बाय किया हुआ है और वो लोग इस मूवी को बहुत जल्दी ही टीवी पर रिलीज़ करवा देंगे। फिर ये यूट्यूब पर भी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी। अगर हम लोग इस मूवी की जो कहानी है इसके बारे में थोड़ी बात करें तो शुरुआत में हमें देखने को मिलता है सत्यमूर्ति यानी कि जो राम की है वो एक आदर्शवादी और ईमानदार खोजी पत्रकार होते हैं और एक रसूखदार व्यक्ति है। स्कूल में संबंधित घोटाले को सामने लाने की वजह से उनकी हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले वे अपने बेटे मारन को ईमानदार होने के साथ ही सामर्थ्यवान बनने की शिक्षा दी जाते हैं जिससे कि वे पत्रियता के वसूलों के साथ अपने प्रियजनों की रक्षा भी कर सके। जिस दिन पिता की हत्या हुई होती है उस दिन मारन को उसकी माँ की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है, मतलब कि अब जो है वो मारन अकेला है और वह उसकी नवजात बहन और उसके दूसरे परिवार के साथ रहता है। मारन अकेले अपनी बहन श्वेता को पालता है, पोसता है, वो खुद भी पढ़ता है और अपनी बहन को भी पढ़ाता है। बचपन में एक बार गिरने की वजह से श्वेता के हाथ में चोट लग गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए हाथ में मेटल की प्लेट डाल दी थी। बड़े होकर मारन यानी कि जो धनुष है वो अपने पिता की तरह ही द न्यूज़ नाम से मीडिया हाउस में पत्रकारी नौकरी करने लगता है।
समय के साथ एक उभरता हुआ वो खोजी पत्रकार के रूप में उसे प्रसिद्धि मिल जाती है। प्रसिद्धि के कारण जो मारन है उनकी जिंदगी तारा यानी कि मालविका मोहन के रूप में प्रेम भी आ जाता है। वे दोनों ऑफिस में साथ में काम करते थे। पुलिस ऑफिसर अर्जुन यानी कि कृष्ण कुमार बाला सुब्रमण्यम मारन के स्कूल के दिनों से ही पुराना दोस्त होता है। अर्जुन उसे पूर्व मंत्री पजहानी यानी कि समुद्रकरण के बारे में बताता है। पजहानी यानी कि वी की पजवानी जो होता है वो ईवीएम मशीन की अदला बदली कर उपजानू जीतने के लिए योजना बनाता है। अर्जुन मारन को पजवानी का भांडाफोड़ करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करने का प्लानिंग करता है। स्टिंग ऑपरेशन से ईवीएम मशीन की अदला बदली की खबर पुख्ता होती है। अगले दिन यह खबर मीडिया में छा जाती है। पजवानी अपना खेल बिगड़ते देख के मारन के मौजूद सबूत हासिल करने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। इस मूवी के अंदर आपको बहुत सारे मोड़ देखने को मिलते हैं। एक दिन अचानक मारन के पास कॉल आता है कि श्वेता का अपहरण हो गया है और जिन लोगों ने मारन की बहन को किडनैप किया था वो लोग मारन को एक ऐसी जगह पर बुलाते हैं जो कि एक खाली बिल्डिंग होती है। फिर यहाँ पर फिर बताता है कि वे दोनों ही साथ में जब श्वेता का अपहरण हुआ था और उसी दिन ही वे पीछे से धक्का मार के गिरा दिया गया था, इसलिए वह अपहरणकर्ताओं को देख नहीं पाया। लेकिन उसे याद था कि अपहरणकर्ता नीला रंग की शर्ट में आए थे और कान में हीरिंग और एक पहन रखा था। मारन इस जानकारी पुलिस को देता है और खोजबीन के कुछ तार पूर्व मंत्री पजवानी से भी जुड़े रहते हैं। पजहानी से मिलने के बाद मारन को यकीन हो गया था कि श्वेता को उसने अगवा नहीं करवाया है। अगर श्वेता का कत्ल पजवानी ने करवाया होता तो उसे मालूम पड़ जाता आखिरकार किसने उसे मारा है या फिर उसकी किडनैप हुई है। वो इस मूवी के अंदर रहस्य छुपा होता है। नीले रंग की जो क्रिएटर की खोज मारन कर रहा होता है वो पार्थिबन यानी कि अमित तक ले जाती है। पार्थिबन और मारन के बीच में जमकर लड़ाई हुई और लहूलुहान पार्थिबन कहता है कि तुम मुझे मार भी डालोगे तब भी मैं बताऊंगा नहीं कि तुम्हारी बहन जिंदा है या नहीं, और जिंदा तो हो नहीं जाएंगी। इस जगह पर मारन पहली बार यह रहस्य उद्घाटन करता है और इसे मालूम है कि श्वेता मरी नहीं है। और यह बात इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लाश के हाथ के भीतर किसी मेटल प्लेट का जिक्र नहीं था। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया जो मारन की बहन थी उसके हाथ में मेटल प्लेट लगी थी, इसलिए मारन को यकीन हो गया था कि वह उसकी बहन नहीं है। अगर श्वेता जिंदा है तो कहाँ है? पार्थिबन श्वेता की मौत का नाटक क्यों कर रहा था? इन प्रश्नों के जवाब के लिए आपको कहानी फ्लैशबैक में जाती हुई नजर आएंगी। सुजा पार्थिबन की इकलौती बेटी होती है और उसकी और श्वेता की उम्र लगभग समान होती है। सुजा का मन मेडिकल के लिए पढ़ाई करने वाला था। इतनी महंगी पढ़ाई कराने के लिए पार्थिबन के पास रुपये नहीं थे। पजहानी के लोग पार्थिबन को ईवीएम मशीन गायब करने के बदले बहुत सारा पैसा देने वाले थे, लेकिन मारन की स्ट्रिंग ऑपरेशन की वजह से ये खबर सुजा तक पहुंच गई और वह अपने पिता को बहुत अच्छा आदमी समझती थी। पिता के किए गलत कामों में सुधारने के लिए ईवीएम मशीन पुलिस के हवाले कर देती है। पार्थिबन समझ जाता है कि अब वो शहर में रहना सेफ नहीं है। वह सुजा के सामने सामान बांधने के लिए जाता है और ज़रूरी काम से बाहर चला जाता है। फिर इस मूवी के अंदर आपको और भी ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिलता है। फिर वापस आने के बाद पार्थिबन को सुजा आग की लपड़ों में गिरी हुई मिली। फिल्म में दिखाया नहीं गया है कि लेकिन स्पष्ट ही जाए तो जो पजवान के लोगों है उन्होंने सुजा को जिंदा चला दिया था। पार्थिबन इस त्रासदी के लिए मारने को जिम्मेदार समझता है क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन की वजह से उसकी सारी चीज़ें बगड़ी थी और इसी का बदला लेने के लिए वो जो हीरो था उसकी बहन को किडनैप करता है। तो यही इस मूवी की कहानी है। पार्थिबन मारने दरअसल वो जो लड़का है पार्थिबन वो मारन को यह एहसास दिलाना चाहता था कि ज़िंदगी में बहन की कितनी वैल्यू होती है और अपना कोई दूर होता है तो कितना दुख होता है, इसलिए उसने सब कुछ किया था। फिर वो वापस लास्ट में जो है वो मारन की बहन को लौटा देता है और बता देता है कि तेरी बहन यहाँ पर है, चल ले। वहीं पर मूवी ख़त्म होती है।